हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? सो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर एपिसोड नंबर 18 लेके आ गए, जिसमें मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर हम लोग कवर करने वाले हैं। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का जो डायग्राम होता है वो समझने में बहुत दिक्कत होता है, तो डायग्राम को हम बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन कर देंगे और आपको 100% मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला, वर्किंग और सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहले भाई देखो, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का एक डायग्राम हम पहले बनाते हैं, पहले समझाते हैं ये है क्या। नाम ही, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का जैसा नाम होता है उसी टाइप का उसका काम भी होता है, मैक्सिमम केस में नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। वैसे ही इसका नाम भी है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर और ये काम भी वही करता है, इसका नाम ही बता दे रहा है कि ये करने क्या वाला है। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, याद करो अभी तुम पढ़ी थी टॉर्क ऑन अ करेंट लूप, जिसमें कि वो जो कॉयल था वैसे घूम जा रहा था, उसी को कह रहे, इसलिए ना मूविंग कॉयल मतलब वो कॉयल जब जब घूमेगा तब तब गैल्वेनोमीटर काम करेगा, वही समझना है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये क्या काम है पहले, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये फिजिक्स का एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसका काम क्या है पहले वो समझो, इंस्ट्रूमेंट है तो कुछ ना कुछ काम होगा, जैसे साइक्लोट्रॉन का था वैसे इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। तो इसका काम होता है टू मेजर एंड डिटेक्ट स्मॉल करेंट, टू मेजर एंड डिटेक्ट स्मॉल करेंट वेरी विदाउट एनी एरर, मतलब छोटा से छोटा करंट को विदाउट एनी एरर। अच्छा तुम बोलोगे यार कि सारा ये फायदा क्या मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का, जब एमीटर जो है बड़ा करंट नाप सकता है तो इसमें किसको लेने का क्या फ़ायदा? देखो बता रहे हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का फायदा क्या है वो बताते हैं। एमीटर तो करंट नापता ही है, तो गैल्वेनोमीटर का जरूरी क्या है भाई? गैल्वेनोमीटर छोटा करंट नापता है तो डीमेरिट हो गया ना इसका, छोटा सा करंट नापता है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिवली नापता है, समझना इसका मतलब। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, क्यों इसको लेके आए? एमीटर जब था ही था तो गैल्वेनोमीटर का भी काम है करंट ही नापना, क्यों इसी को यूज़ करते हैं बता रहे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मान लो तुम्हारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये वायर में ऐसे बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अब तुमको लग रहा है ना कि ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज हो गया मतलब इसमें से एक भी करंट नहीं बन रहा है, तुमको पता ही नहीं, उसको तुम छुओगे तो करंट मार देगा, छिला हुआ वायर है, छिला हुआ है, तुम जान रहे हो छुओगे करंट मार देगा, तो तुम छुओगे तो नहीं उसको, तो मेजर करोगे एक इंस्ट्रूमेंट से, तो तुम क्या की गई गैल्वेनोमीटर लेके गई, ये एमीटर लेके गई और इसमें करंट है तुमको पता है लेकिन तुमको हो सकता है ना भी हो, बैटरी डिस्चार्ज तुमको लग रहा है, तो यहाँ पर तुम इसमें करंट फ्लो भी कर रहा था मान लो कि 0.2 एम्पियर का करंट। अब जब एमीटर लेके आओगी तो एमीटर का तो काम है बड़ा करंट डिटेक्ट करना, तो जब वो बताएगा एमीटर बोलेगा कोई रीडिंग कोई करंटे नहीं है बोलेगा, या ऐसा हो सकता है कि बोलेगा कि कम करंट है, एग्जैक्टली सही मेज़र नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका तो काम है बड़ा करंट्स मेज़र करना। लेकिन जब तुम गैल्वेनोमीटर लेके आओगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में ना यहाँ जीरो लिखा होता है, यहाँ जीरो होता है, अगर उसका सुई ऐसे खड़ा है तो मतलब एक भी करंट नहीं है, उसका सुई इस तरफ या इस तरफ जा रहा है तो मतलब करंट है। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा इसका बता रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर का एक रेंज होता है कि ये मेज़र करता है करंट 1000 मिली एम्पियर तक का, 1000 मिली एम्पियर से कम, इसका औकात है 1 एम्पियर का मेजर करना, तो तुम 1 ही एम्पियर मेजर करवाओगी नहीं, उससे कम मेजर करवाओगी, तो अगर यहाँ 0.2 भी होगा तो उसको भी ये मेजर कर देगा और बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब ये इसका सुई बहुत ऐसे आगे बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई इसमें करंट है, लेकिन वही अगर एमीटर यूज़ करती तब तो तुम बोलती कि यार करंटे नहीं है इसमें, तो छू देती जाके ऐसे मारता जोरदार करंट एकदम खतरनाक छटपटा देती। तो ये फायदा है इसका मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का कि छोटा करंट को भी एकदम और सही मेजर करेगा, सही मेजर करने का मतलब कि जितना वैल्यू है उतना ही बताया क्योंकि उसका काम ही है छोटा करंट नापना, समझ आया इसका कहाँ यूज़ है? तो वही देखो लिखा हो टू मेजर एंड डिटेक्ट स्मॉल करंट विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी एरर, बिना किसी एरर का सही मेजरमेंट। और सुनो एक और बात, इसको फिजिक्स लैब में भी हम लोग रखते हैं, बहुत काम का है ये गैल्वेनोमीटर, फराडेज लॉ पढ़ोगी आगे सुनी भी होगी, तो ये गैल्वेनोमीटर से ही सारा काम हुआ था उसमें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताएं, ये समझ गए ना, यही बस इसका एक डब्बा में जो लिखा है ना वही बता रहा है कि ये क्यों एमीटर से अलग है गैल्वेनोमीटर। अब कंस्ट्रक्शन ये सब का बात करेंगे उस समय और डिटेल में बताएंगे। अच्छा, इसमें ना एक सुई होता है गैल्वेनोमीटर में जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर, एक सुई होता है, अभी बनाए भी थे हम ऐसे करके, चलो यहाँ बना देते हैं ऐसे, गैल्वेनोमीटर होता है इतना बड़ा सा, इधर डब्बा रहेगा तो छोटू सा एकदम लैब में, फिजिक्स लैब में उसमें लिखा रहेगा जी, छोटा सा जी लिखा रहेगा, ठीक है, और करंट उसमें जी मतलब कि गैल्वेनोमीटर है ना, लेकिन जी का मतलब वहाँ गैल्वेनोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट है वहाँ जी का मतलब। चलो देखो, अभी यहाँ पर ऐसे जीरो लिखा रहेगा, फिर यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यू और ऐसे सुई रहेगा, सुई को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। तो हम लोग को इसमें इंटरेस्टेड नहीं कि दिखता कैसा, उसमें हम समझ गए, यहाँ तो तुमको समझा दिए काम कैसे करता है, हम लोग इंटरेस्टेड है कि इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में खोल खाल के मैग्नेट है क्या है नहीं है वो सबको पढ़ना है, अंदर का पार्ट्स के बारे में स्टडी करना है, क्या कर रहा है वो तो समझ गई, तो एक ही लाइन में समझ गई, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, कैसे ये करंट मेजर कर ले रहा है उसके बारे में अंदर में घुस के खोल खोल खाल के देखना है एकदम, समझ आया? अब
हाँ एक ही चीज, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। लेकिन सुनो, जो फिजिक्स लैब में होता है ना, ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है? और जो तुम्हारा और भी बहुत टाइप का होता है, जैसे एक अलग अलग टाइप का गैल्वेनोमीटर, लेकिन तुमको वो पढ़ना है जो कि मूविंग कॉयल वाला है। और भी बहुत सारा गैल्वेनोमीटर मिलता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली मूविंग कॉयल है, जो कि मतलब इजिली अवेलेबल होता है, जिसको हर जगह यूज़ करते हैं। बाकी बहुत टाइप का और होता है, अगर तुम खाली गैल्वेनोमीटर लिखोगे तो गलत है फिर। मूविंग कॉयल अलग होता है, जैसे जिसमें तुमको रेंज जिसका बताए हम कितना मेजर करना। और भी बहुत टाइप का गैल्वेनोमीटर है, जैसे होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, एक होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, तो वो अलग चीज़ हो गया फिर। वो समझ आया? तो गैल्वेनोमीटर बहुत टाइप का होता है, आगे क्या लिखा है उससे समझ में आता है। तो जनरली अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ने लायक औकात है, जो पढ़ने का औकात के हिसाब से हम लोग मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर समझ सकते हैं, इसीलिए ये वाला पढ़ना है। नहीं तो और बहुत टाइप का गैल्वेनोमीटर होता है, इस गैल्वेनोमीटर के ही बारे सारा समझ में आया मेरे बात की नहीं समझ। खाली गैल्वेनोमीटर तो पगलोल, फिर पागल है फिर। खाली गैल्वेनोमीटर नहीं होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर क्योंकि बहुत टाइप का। चल ठीक, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और पहले इसका समझते हैं यार प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल समझने से पहले इसको देखते हैं कि कैसा होता है ना डायग्राम। हाँ यहाँ रीडिंग्स लिखा रहेगा, ठीक है? डायग्राम देखो अब इसका, पहले डायग्राम देखो, उससे एक्चुअल फील आएगा डायग्राम से। तो तुम लोग ये लिख लियो ये वाला चीज़, तो इसको ठीक है, हम डायग्राम बनाते हैं। जब तक लिखो तुम लोग, ये हम डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम ही तो मेन है इसका। एक काम करो, पहले लिख लो यार, फिर डायग्राम हम बनाते हैं। पहले लिखो इसको, अभी देखो यार, अभी देखो यार, हम तुमको इसका प्रिंसिपल लिखवा के डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका देख लो अंदर में क्या है, उसके बाद प्रिंसिपल ये सब, ठीक है? तो पहले अभी डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं इसका, डायग्राम। और डायग्राम दो टाइप का बनाएंगे, एक फ्रंट व्यू एक टॉप व्यू। और डायग्राम हम तुमको एकदम फील करा दें, मेन डायग्राम है। डायग्राम समझ गई, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया, बिना डायग्राम का फॉर्मूला ये सब तो ठीक है, डायग्राम मेन समझना है। चलो देखना, पहले डायग्राम देखो, ए नंबर, यहाँ देखना अभी ध्यान देना। ये मेरे पास एक हॉर्सू मैग्नेट होगा यहाँ पर, ठीक है? ये हॉर्सू मैग्नेट, ये हॉर्सू मैग्नेट, ठीक है? यहां हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग, ड्राइंग क्लास चल रहा है, कौन अच्छा बनाएगा। यहाँ पर तुम्हारा होगा उसका पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वही बना रहे हैं, हॉर्सू मैग्नेट है ये, ठीक है? और यहाँ पर इसका पोल्स होगा। अब इस तरफ हम ले रहे हैं, यहाँ पर से तुम्हारा एक ऐसे सर्कुलर गोल सा पोल होगा, जो कि तुम्हारा इस टाइप का दिखेगा, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे कॉनकेव शेप का, कॉनकेव पोल्स है ना, मतलब कुछ इस टाइप का रहेगा, देखो ऐसे। और यहाँ पर तुम बीच में रखोगी, बोलो क्या रखोगी, करंट लूप, याद आया ये करंट लूप। और यहाँ पर क्या होगा ना, ये करंट लूप ऐसे कनेक्टेड रहेगा ऐसे, ठीक है? और इसमें ऐसे करके वायर होगा, और ये वायर जाके एक बैटरी से जुड़ेगा, यहाँ पर ऐसे बैटरी का दो टर्मिनल्स। और अभी टर्मिनल्स को जैसे तुम टच करवाओगे, यहाँ पर मिला दोगी उसको, तो इसमें से क्या फ्लो होगा, करंट, ठीक है? अच्छा ये देखो, वायर ऐसे लपेटा हुआ है, फिर यहाँ पर ढेर सारा ऐसे टर्न्स है, बहुत सारा टर्न्स है, ठीक है? ये रेक्टेंगुलर लूप कुछ इस टाइप का, देखो ऐसा, ये एक रेक्टेंगुलर लूप, और इसके बीच में सिलेंडर है, ये सिलेंडर देखो, बता रहे बना रहे सिलेंडर, सिलेंडर देखो यहाँ पर, ये तुमको सिलेंडर दिख रहा है, इसके ऊपर है ना लूप, तो सिलेंडर इसके अंदर। अब सिलेंडर कहाँ से आ गया यहाँ पर, ये मस्त बढ़िया क्या क्या डिस्कशन चला था, सिलेंडर कैसे आ गया भाई, बताया जाएगा अभी, ठीक है? ये सिलेंडर के ऊपर ये ऐसे लूपिंग रहेगा, ये सिलेंडर है ना, उसके ऊपर लपेटा हुआ ये वायर, ये करंट लूप सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर लपटा हुआ है, ठीक है? ऐसे लपेटा हुआ है, ऐसे लपेटा हुआ है, और ये तुम्हारा सिलेंडर है, ठीक है? और ये देखो करंट लूप ऐसे लपेटा हुआ है सिलेंडर के ऊपर, जानबूझ के पहले करंट लूप बनाए, ताकि तुमको फील हो कि अच्छा वायरिंग ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है? ये देखो ये क्या दिख रहा है तुमको, रेक्टेंगुलर लूप, जो कि सिलेंडर के ऊपर लपेटा हुआ है। देखो ये सिलेंडर है तुम्हारा, और उसके ऊपर ऐसे करंट लूप लपेटा हुआ है, ठीक है? अभी इसको हम लोग ऐसे देख रहे हैं, और ये ऐसे रखा हुआ है सामने से, ऐसे देख रहे, तब ना ऐसे बनाए हैं इसको इस टाइप से, ठीक है? और यहाँ पर कौन सा पोल है, नॉर्थ, और यहाँ कौन सा है, साउथ। नॉर्थ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ जा रहा है, साउथ में, ठीक है? अब तुम चाहो तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकती हो, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा पास होना चाहिए सिलेंडर से, समझ आया? तो ऐसे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसको बड़ा भी कर सकती हो, मतलब मोटा मैग्नेट भी बना सकती हो, मतलब तुम ऐसे भी कर सकती हो उसको, ताकि समझने के लिए कि सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन
पास करेगा इससे, किससे किससे पास करेगा, ये वाले से, ठीक है, इससे सारा पास करेगा। अच्छा ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या है, ये जो ऐसे दिख रहा है, अच्छा इसमें ना एक नहीं रहेगा, कितना रहेगा, करंट लूप एक नहीं है, ऐसा बहुत सारा लूप है, ऐसे जो लपेटे हैं, जैसे तुमको यहाँ पर एक ठो दिखा रहे हैं, ये ऐसा लपेटा हुआ है, ऐसा एक ठो नहीं, बहुत सारा वायर लपेटा हुआ है, तो ऐसे ऐसा वायर दिखेगा, ये करंट नहीं है, ये वायर है, ठीक है। अभी जैसे तुम यहाँ से मान लो करंट फ्लो करवाई, तो इसमें ऐसे करंट जाएगा, फिर इसमें ऐसे जाके तब इसमें ऐसे से घूमेगा घूमेगा करंट, तब ऐसे करके, समझ आया कहानी क्या है। अब आगे सुनो, आगे सुनो, अब इसका हम लोग देखेंगे, ये ए पार्ट हुआ, ये ए पार्ट कौन सा व्यू है इसका, फ्रंट व्यू, इंपॉर्टेंट है इसमें टॉप व्यू, इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप व्यू, ऊपर से देखने पे, ठीक है। अच्छा ये मैग्नेट्स जो है ना, वही तुमको जो अभी हम बना के दिखाए थे बाबू, तुरंत जो अभी बना के दिखाए थे, ये मैग्नेट ऐसे है, समझ रही हो, चलो यहाँ बना ही देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। ये मैग्नेट देखो ऐसे है, मतलब जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इससे पास करेगा, किससे, सिलेंडर से, समझ आया, समझ आया हम क्या बताएं, ठीक है। और ये वाला भी कहाँ होगा, यहाँ होगा, तुम चाहो तो बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम उधर भी डायग्राम में, वो ऐसा नहीं कि डायग्राम काट दिया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बड़ा भी बना सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सारा। अच्छा ये क्या बना, ऐसे जो लाइन खींचे, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं 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 ये जो वायर लपेटा हुआ है वो वायर, समझ में आ रहा है तेरा बात, और ये क्या दिखाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और ये वायर है बाकी जो कि ऐसे लपेटा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, वुंड किया हुआ है सिलेंडर के ऊपर, समझ आया। अच्छा अब देखने से लग रहा है खाली करंट लूप है, इसलिए वाला हम लेके आए ताकि तुमको समझ में आए। अच्छा यहाँ पर ये क्या है, सिलेंडर का एरिया, जिससे क्या पास कर रहा है, लूप, ऐसे लूप पास करते दिखेगा, तो हम लोग इसका अब देखेंगे टॉप व्यू। अच्छा सुनो यहाँ पर, और ध्यान से, यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, ठीक है। अब तुम इसको देखने वाली हो ऐसे ऊपर से, और देखो यहाँ पर एन और एस यहाँ लिखे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, तुम एन और एस चाहो तो यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ एन लिख लो और यहाँ क्या लिख लो, एस, समझ आ रहा है हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तुमको मैग्नेट थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज हो रहा होगा, मैग्नेट से ना देखो यहाँ पर हम मैग्नेट कैसे बनाए, थोड़ा उसको ध्यान देना तुम, देखो मैग्नेट ऐसा है यार, इधर है और फिर ऐसे है मैग्नेट, समझ आया, मैग्नेट ऐसे है, और यहाँ पर भी कैसे होगा, ऐसा कुछ होगा, मतलब ये कुछ इस टाइप का मैग्नेट ऐसा सामने रखा है, मतलब ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ये मैग्नेट का पोल और ये लूप, मतलब इसको ऐसे कर लो चाहो तो, क्योंकि सारा मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करना चाहिए, ठीक है। अब सुनना आगे, और ये एन और एस ऊपर में लिखा है, यही बहुत लोग नहीं समझ पाता, बोलते सर एन और एस तो यहाँ आप लिखते हैं, अरे भाई ऊपर लिख ले, किताब में भी ऐसे ही ऊपर बनाए, ऊपर ही लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले यहाँ नॉर्थ लिख लिया, यहाँ साउथ लिख लिया, हाँ यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रहा है, कहाँ घुस रहा है, साउथ में। अब इसका देखना तुम टॉप व्यू, बी पॉइंट, टॉप व्यू ऊपर से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट यही वाला, बहुत लोग को समझ नहीं आता, देखना ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, अब तुम गड़ा गौर फरमाना, यहाँ पर देखो ये एन और एस को हम यहाँ लिखे हैं, और ये वाला पार्ट सीधा नहीं, ये पार्ट कैसे होगा, कर्व, और यहाँ पर भी क्या होगा, कर्व, समझ आया, और तुम कौन सा पार्ट देख रही हो, ये वाला, यानी कि सिलेंडर को ऐसे ऊपर से देख रही हो, समझ आया, तो यहाँ पर ऐसा सिलेंडर गोल सा दिखेगा, ठीक है, और सिलेंडर से वायर ऐसे पास हो रहा है। अच्छा अभी सिलेंडर सीधा है इसलिए वायर ऐसे दिख रहा है, अभी ऐसे सीधा है जैसे वायर ऐसे दिख रहा जाते हुए, अगर इसको ऐसे घुमा देंगे तो वायर टेढ़ा नहीं हो जाएगा, समझ आया, क्योंकि सिलेंडर को घूमना है बाबू, ऐसे घूमते रहना है, क्योंकि इस लूप को क्या लगता है, टॉर्क लगता है, पीछे जो पढ़ाया गया वही, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ये वायर को अगर हम ऐसे सीधा बना ऐसे बना दें, कोई दिक्कत होगा, बताओ क्या ये क्या है, क्या ये करंट है कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रहा है, इससे ऐसे जा रहा है। अब देखना मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, क्या सीधा सीधा, हाँ ये वाले को ना, हाँ सीधा लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तुम वायर को चाहे तो टेढ़ा के बजाय से सीधा भी बना सकती हो, ये क्या बना है, वायर, लेकिन ये जो इधर बना रही क्या बना रहे हैं, एरो जो दिखा रहे वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लियर है कि नहीं, बताओ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मजा नहीं आया यार, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मजा नहीं आया, अब तुमको हम क्या बताने वाले, सुनना तुमको ये दिमाग में समझ, सर यहाँ सिलेंडर क्यों डाले, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा वो किससे फ्लो करेगा, वायर से, तो यहाँ पर ये सिलेंडर क्यों डाले हैं बता रहे हैं, पहले समझो यार ये काम कैसे करता है मूविंग कॉइल, फिर बात करते हैं सिलेंडर क्यों डाले हैं, और बाकी ये जो लूप बना है, ये लूप जो लूप है ये वाला, ये वायर है, ठीक है, समझ गए ना, ये लूप क्या होता है, वायर होता है। अब सुनना ध्यान से, काम कैसे करता है ये देखो, ये तुम्हारा स्विचेस है, और तुम्हारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था जिसका तुमको करंट मेजर करना था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, वायर पीछे से निकला होता है, तो उस पीछे से निकला हुआ वायर को तुम अपना इंस्ट्रूमेंट से जोड़ोगी जिसका तुमको करंट नापना है, ठीक है, तो यहाँ से जोड़ लोगी, तो फिर इससे क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, क्योंकि तुम उसको जोड़ ली, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट से इसमें करंट आ जाएगा, और वो करंट फ्लो करेगा,
और जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा इस पर क्या लगेगा, टॉर्क, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बोलो, और तुम जितना करंट दोगी उतना ज्यादा क्या लगेगा, और ये उतना घूमेगा, और जितना ज्यादा ये घूमेगा कौन कौन कौन, सिलेंडर, ये लूप घूमेगा, लूप, और इस लूप के कारण कौन घूमेगा, सिलेंडर, क्योंकि ये लूप और सिलेंडर माउंटेड है, माउंटेड समझती हो, लूप और सिलेंडर नहीं, गलत बोल दिया, सिलेंडर माउंटेड है लूप के अंदर, सिलेंडर जो है वो माउंटेड है लूप के अंदर, माउंट करना समझती हो, माउंट करना मतलब एकदम घुसेड़ना बेहतरीन तरीके से, एकदम लगे कि दोनों साथ में था, कभी अलग ही नहीं था, समझ में आ रहा है मेरे बात क्या कर रहे हैं, हाँ, तो माउंटेड है जहाँ, अच्छा सिलेंडर क्यों लिए अभी तक नहीं बताया, बताएंगे हम तुमको, मेन मेरा मकसद है लूप का घूमना, अच्छा घुमाना क्यों है इसको, घुमाने से करंट कैसे मेजर हो जाएगा, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में एक सुई होता है ऐसे करके, और वो सुई यहाँ से जुड़ा रहेगा किससे, ये लूप से, ये लूप से, ये सुई से, इसको मिटा देना, ये ऐसे सुई लगा रहेगा, और जितना ज्यादा ही नहीं, सुई उसके साथ नहीं घूमता है, अरे बकलोल, सुई थोड़ी घूमता है उसके साथ, जितना ज्यादा ये घूमेगा उसी के अकॉर्डिंग ये सुई में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, अगर ये तेज ज्यादा घूम जाएगा, ज्यादा घूमने लगेगा तो मतलब करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा का मतलब समझ रही हो, करंट ज्यादा मतलब तुम्हारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें करंट ज्यादा है, तो करंट ज्यादा दोगे तो टॉर्क इसमें ज्यादा लगेगा, टॉर्क ज्यादा लगेगा तो देर जैसे एकदम तेज घूमेगा, घूमते ही रहेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई देगा, मतलब सुई ऐसे आगे बढ़ेगा, और सुई जितना ऐसे जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और जितना ज्यादा सुई में डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट, तो इसका फेनोमेना क्या है, फेनोमेना क्या है, करंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा इसका सुई में डिफ्लेक्शन, समझ आया, करंट कौन दे रही, करंट तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है इसमें, समझ आई, बस यही इसका फेनोमेना है, लेकिन ये सिलेंडर क्यों यूज कर रहे हैं अभी बताते हैं, देखो सिलेंडर जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो सिलेंडर है इसको एक नाम दिया हम लोग, इस सिलेंडर को नाम देते हैं सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, इसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रेडियल बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, पूरा टॉपिक में यही डिस्कशन है, रेडियल, बाकी सब तो अभी तक समझ आ गया होगा, रेडियल सब का मतलब समझना है, रेडियल का मतलब कि जो सिलेंडर है उसका रेडियस की तरफ पॉइंट करते हुए, जैसे देखो अभी तुम ये बताओ कि ये सिलेंडर है, इसका रेडियस कैसा है सिलेंडर का, ये ऐसे रेडियस होगा, ऊपर वाला पार्ट है ना सिलेंडर का, तो रेडियस ऐसे होगा, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियस की तरफ पॉइंट कर रहा है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे निकल रहा है और रेडियस तो ऐसे है, हैं, तुम कौन सा वाला लोगी, ऐसे वाला कहाँ पॉइंट कर रहा है, कैसे, अच्छा ऐसे लोगी, अरे तो ये वाला ना पॉइंट किया, ये कहाँ पॉइंट किया, नहीं समझ में आया, सारा मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के जैसा दिखना चाहिए, खाली देखो यहां पर रेडियस लोगे तो खाली यही वाला मैग्नेटिक फील्ड रेडियस की तरफ दिख रहा है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियस की तरफ है, नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड तो सीधे निकल रहा है, समझ आ रहा है मैं बात क्या कर रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ उससे फायदा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास लाके फायदा क्या होगा, देखो तुम टॉर्क का फिर से टॉर्क का इसलिए बोल रहे हैं कि पिछला वाला जो अभी पढ़ा है हम लोग वो जरूरी है, ये टॉर्क का फॉर्मूला समझना, निब्बा साइन थीटा, अच्छा ये एन समझ रही हो, इसमें कितना वायरिंग लपेटा हुआ है, निब्बा साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर तुम बढ़ा दोगी तो उससे टॉर्क क्या हो जाएगा, और टॉर्क बढ़ेगा तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन है बेहतरीन दिखाई देगा, सही दिखाई देगा, समझ आ रहा है, गैल्वेनोमीटर को मेरा मकसद यह है कि हम सेंसिटिव बना पाए उसको, सेंसिटिव बोलने का मतलब कि छोटा सा करंट को भी आराम से एकदम मेजर कर दे, छोटा सा भी करंट दे तुरंत मेजर करे उसको एकदम झट से एकदम, समझ आया, ऐसा हम बनाना चाहते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो अगर वैसा करना है गैल्वेनोमीटर को तो उसका जो अंदर का सिस्टम है उसको चेंज करना होगा ना, तो ये अंदर का जो सिस्टम तुमको समझा रहे हैं ना ये सेट किया हुआ है उसमें, तो ऐसा तुम ये तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता होगा ना सर ऐसा क्या उसमें सेटिंग किया है कि छोटा भी करंट को नाप लेता है, तो हम लोग अभी वही तुमको समझा रहे कि ऐसा उसमें क्या सेटिंग किया है कि छोटा करंट को भी नाप ले रहा है, तो उसके लिए क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सीधे नहीं रखा है रेडियल रखा है, रेडियल मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं जाएगा ऐसे हो जाएगा, उससे फायदा क्या होगा, तुम सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ऐसे जा रहा है निकल रहा है तो कुछ कुछ तो ऊपर से भी निकल जा रहा होगा, समझ आया, लेकिन अगर यही मैग्नेटिक फील्ड को तुम नजदीक ले आओगी तो नजदीक आने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ जाएगा, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ये सिलेंडर लगाने से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा एक ही पॉइंट पे फोकस करता हुआ, अब बताओ ये स्ट्रांग है या फिर ये सीधा वाला स्ट्रांग है, तो इसी को बोलते हैं रेडियल, रेडियल नाम रखने का मतलब कि सारा रेडियस की तरफ पॉइंट करेगा और फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने से क्या होगा, देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो टॉर्क ज्यादा लगेगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, ये लूप के ऊपर सिलेंडर के ऊपर नहीं, क्योंकि टॉर्क वायर पे लगता है मैग्नेटिक फोर्स, ये बात मेरा याद रखना, वायर पे लगता है मैग्नेटिक फोर्स इंस्ट्रूमेंट में, समझ में आया मैं बात क्या बोले, ठीक है, तो अभी आगे समझना कि
ये फील्ड को रेडियल बनाएंगे, मतलब ये डायग्राम नहीं होगा इसका, नहीं नहीं होगा, ये नहीं होगा डायग्राम सर, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर करते हैं अब डायग्राम बनते। अरे यार तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना ही बढ़ा होगी तुम, कितना ही, देखो कितना भी स्ट्रांग, मान लो कि 10 टेस्ला का मैग्नेट ले ली, कितना ले ली 10, ये बोल रही कि सर मैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, मान लो 10 टेस्ला का मैग्नेट ली और उस 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन अगर उसी 10 टेस्ला को हम नज़दीक ले आएंगे तो 15 टेस्ला का रोल प्ले करेगा, समझ रही हो? तो मैग्नेट स्ट्रांग बनाओ जितना कर सको, लेकिन उसमें हम एक और चीज़ कर देंगे कि एक सिलेंडर ले लेंगे। अच्छा ये सिलेंडर में ऐसा क्या टैलेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड को नज़दीक ले आता है? देखो ये सॉफ्ट आयरन कोर का है, सॉफ्ट आयरन कोर समझती हो? सॉफ्ट आयरन कोर उसको हम लोग बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे खूबसूरत लड़की जो मेकअप करके आती है लड़का लोग को अट्रैक्ट करती है, हाँ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, हाँ ठीक है, वो तो पढ़ाने अभी बोल नहीं रहे थे सब क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये सिलेंडर कैसा है? फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दूर नहीं भगाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने पास लेके आता है, तो उससे पास लाने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, तो इसका जो सुई है वो ज़्यादा करंट को डिटेक्ट करेगा बढ़िया से, समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका प्रिंसिपल बढ़िया हो जाएगा इसीलिए। अच्छा सुनो, अब सुनो, अब यहाँ डायग्राम देखना, यहाँ देखो अब डायग्राम हम चेंज क्यों किए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो रेडियली पॉइंट करेगा, और ये रेडियस इसका देखो, अब ये भी रेडियस में ही आ रहा है, ये भी रेडियस में आ रहा है, ये भी रेडियस में आ रहा है, ये बीच वाला तो रेडियस में आ ही रहा है, सारा रेडियल हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड को एक और नाम दिए हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखो ये सारा सेंटर की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है सिलेंडर का, समझ में आया? अच्छा ये सिलेंडर क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। अच्छा यहाँ पर ये जो तुमको दिख रहा है सर वायर, इसको हम लोग बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। क्या नाम दिया इसको? हेयर स्प्रिंग, क्योंकि ऐसे गोल गोल है। अच्छा ये हेयर स्प्रिंग क्या होता है भाई बताएंगे अभी, इसको हम लोग बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। ये भी अच्छा, ये वायर का मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है, वायर कौन सा मटेरियल का चुनती हो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा तुम एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि सर अगर ये ऐसे घूमेगा तो, अगर ये घूमेगा कौन सा वाला, ये लूप जब घूमेगा, अच्छा ये जो लूप है, ये वाला पार्ट जो लूप का है वो एक इससे जुड़ा है। अरे यार कैसा सेलोटेप है अजीब सा यार, देखो ये जो है ये वाला, ये मान लो कि ये वो हेयर स्प्रिंग है ये वाला, अब जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे देखो जब इसको ऐसे हम घुमाएंगे तो ये वायर भी रोटेट करेगा इसके साथ, समझ रही हो? मतलब ये वाला भी ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे मुड़ने लगेगा, मान लो ये ऐसे घूम रहा है तो घूमते घूमते ये भी मुड़ेगा, ये वायर भी, तो ये वायर लपटा जाएगा, उसका छोड़ोगे तो ये वापस होगा, समझ आ रहा है? जैसे ये एकदम सिंपल एग्जांपल देखो, ये कपड़ा वाला, जैसे मान लो कि ये वायर ऐसे लगा हुआ, ये वाला वायर ऐसे लगा हुआ है, तुम इस कपड़ा को ऐसे ऐसे घुमाओगी फिर छोड़ दोगी तो वापस होगा, देखो वापस ऐसे होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि जब ये ऐसे घूमेगा तो ये वायर भी तो घूमेगा, और ये वायर घूम के एकदम मैक्सिमम लिपट जाएगा, फिर छोड़ोगी तो वापस ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? टॉर्क लग रहा है ना, तो ऐसे घूम रहा है ये, तो ये वायर भी घूम रहा है साथ साथ, तो फिर जब रुक जाएगा जब, तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो कि वापस ऐसे घुमाएगा इसको, समझ आ रहा है? तो ये वायर एक स्पेशल टाइप का वायर लेना है जो कि लचीला वायर हो, लचीला मतलब कि घूमे भी तो टूटना नहीं चाहिए, और इस वायर को हम लोग लेते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज का। वायर का कौन सा मटेरियल होता है? सारा का फंक्शन बताया जाएगा सबको, तुमको एक एक लाइन करके फंक्शन बता रहे हैं कि सबका काम क्या है। फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ये केमिस्ट्री का एलिमेंट है, फॉस्फरस और ब्रॉन्ज दोनों को मिला के वायर का मटेरियल हुआ ये। फॉस्फर ब्रॉन्ज क्यों लेते हैं? क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज जो होता है, हिंदी में मत लिख देना वहाँ पर, फॉस्फरस ब्रॉन्ज जो होता है वो मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा बनाता है, मतलब ज़्यादा वापस घूमता है, ये नहीं कि टूट जाए घूमते घूमते, ज़्यादा देर तक उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, ज़्यादा घूम पाएगा, समझ आया? अच्छा सुनो आगे, फॉस्फर ब्रॉन्ज का ये वायर यूज़ करना है। अब ये हेयर स्प्रिंग क्या होता है? तो हेयर स्प्रिंग इसको प्रोवाइड करता है रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब जब ये ऐसे लिपट जाता है तो वापस घूमने के लिए तैयार होता है, इसलिए स्प्रिंग के जैसा रहता है ये, स्प्रिंग समझ रही हो ना, स्प्रिंग के जैसा रहता है, इसलिए नाम रखे इसका हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग क्या करता है? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, मतलब ये अगर घूम जाता है तो वापस भी रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार होता है, बता रहे हैं अभी क्या जरूरत है। तो ये जो हेयर स्प्रिंग है ये, इसको क्या नाम दिया हम लोग? हेयर स्प्रिंग्स। अच्छा हेयर स्प्रिंग एक नहीं है, दो है, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है, हेयर स्प्रिंग ये वाला, ठीक है। आगे देखो, आगे तुमको समझ में आया कि ये क्यों डालें बाकी मैग्नेट? अच्छा मैग्नेट ये परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ लिख देते हैं परमानेंट, समझती हो? परमानेंट मैग्नेट जो कि नेचुरली ऑकरिंग होता है,
परमानेंट मैग्नेट, टेम्प्ररी नहीं लेना है। बहुत लोग बोलेगा स्पेलिंग एक ठो भी नहीं आता है, मास्टर को लिख दे रहे हैं परमानेंट, स्पेलिंग आता है हमको परमानेंट मैग्नेट, ठीक है परमानेंट, या फिर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो कि मैग्नेट ये करंट से काम नहीं करता, जो कि असल में मैग्नेट होता है। अच्छा ये कौन सा मैग्नेट है? हॉर्शू मैग्नेट, ठीक है हॉर्शू, हॉर्शू का स्पेलिंग यही होता है ना, हॉर्शू मैग्नेट है ना, हॉर्श हॉर्शू लिखे हैं तो ठीक ठीक है भाई समझ जाएगा, हॉर्शू मैग्नेट। इंग्लिश का क्लास नहीं चल रहा है, हॉर्शू मैग्नेट ठीक है। अच्छा ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, अब सुनो यहाँ पर इसका रेडियस हम एक बार बना ही देते हैं ताकि पगलाना हमें बाद में, ठीक है। तो ये डायग्राम्स तुम लोग बना लो फिर। अच्छा सुनो एक मिनट, ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर के ऊपर स्केल लगा होगा ना, चलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मिटा देते हैं। कौन? नहीं, इसको ऐसे सेटिंग यहाँ पर करते हैं पॉइंटर को कि जितना ज़्यादा ये घूमेगा उसके हिसाब से ये भी सुई दिखाएगा डिफ्लेक्शन, समझ आया? ऐसे सेटिंग करते हैं यहाँ पर। हाँ वही बता बता रहे कि इसके हिसाब से इसके मुताबिक घूमेगा ना, लेकिन इसमें कुछ किया रहता है वो ये इंस्ट्रूमेंटली कैसे हम लोग सेट करते हैं इसको ताकि ये जितना घूमे उसके हिसाब से ये डिफ्लेक्शन दिखाए, समझ में आया? हाँ तो वो फिर टेक्निकल चीज़ हो गया कि आखिर इसको सुई को कैसे लगाए हैं कि इसके मुताबिक ये दिखा रहा है डिफ्लेक्शन, समझ में आया? हाँ तो यहाँ पर ऐसे मीटर स्केल रहेगा, मीटर स्केल समझती हो ना? वही वही, अरे यार वही जो सब समझा रहे थे अभी से कि मतलब जो सुई हमको देखते हैं ऐसे करके गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। चलो बनाओ इसको जल्दी से डायग्राम्स। अच्छा तुम चाहो तो सुई यहाँ भी बना सकती हो, यहाँ पर भी देखो ऐसे पॉइंटर दिखा सकती हो और यहाँ पॉइंटर दिखा के ऐसे बना सकती हो। अब ये हेयर स्टाइल नहीं है उसका, ये मीटर स्केल है और इसको क्या नाम दिया है ये वाला जो लगाया है सुई, इसको बोले पॉइंटर है ना, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग और इसको हम लोग नाम दिए हैं पॉइंटर। मिल बनाओ इसको जल्दी, फिर आगे हम लोग इसका थ्योरी और प्रिंसिपल लिखेंगे अब इसका जो तुमको तभी से समझाए। प्रिंसिपल एक मिनट रुक जाओ, प्रिंसिपल हम क्या समझाएं? जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा टॉर्क, और जितना ज़्यादा टॉर्क उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। तो तुम ऑटोमेटिकली बोल सकती हो कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा, आई इज डायरेक्टली एल्फा। व्हाट इज एल्फा? एल्फा ये एक सुई कितना ऐसे घूम रहा है उसको एल्फा बोलते हैं, और आई क्या है? जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा, क्योंकि आई आ रहा है तब ना एल्फा दिख रहा है यार। अरे आई पहले आया तब ना एल्फा का डिफ्लेक्शन दिखा। अरे भाई आई इज प्रोपोर्शनल टू एल्फा लिख, चाहे एल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई लिख, वो प्रोपोर्शनलिटी से क्या समझ में आता है कि वो जितना रहेगा उसी के अनुसार वो भी रहेगा, समझ आया? दोनों में से किसी को भी लिख सकती है प्रोपोर्शनलिटी। अब एकदम एक गवार जाहिल हो तो फिर क्या ही बोले, लिख इसको जल्दी। देखो यहाँ देखो जी, ये अब एक चीज़ इसमें एक डाउट पूछता है सब स्टूडेंट है ना, अभी प्रिंसिपल लिखवाएंगे हम, उससे पहले एक डाउट। रेडियल फील्ड तुमको लगता है बस यही काम था उसका कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, टॉर्क बढ़ जाए? नहीं, बहुत सारा काम है उसका, उसका इतना गजब काम है यार। मतलब तुमको हम बता रहे हैं एक बात कि अगर ये यहाँ पर तुम सिलेंडर नहीं लगाती हो ना, मतलब ये वाला सिलेंडर, तो तुम्हारा पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। अगर तुम ये फील्ड को रेडियल नहीं बनाओगी पूरा तुम्हारा कंस्ट्रक्शन बेकार हो जाएगा। क्यों? अभी बताएंगे तुमको। पूरा बेकार सारा वाहियात हो जाएगा, मतलब पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कचरा हो जाएगा, फेंक देना होगा उसको, इतना फालतू हो जाएगा। इतना महत्व है ये रेडियल फील्ड का, इतना महत्व है। सिर्फ ये थोड़ी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए, वो तो तुम कह ही रही थी कि सर स्ट्रांग मैग्नेट लगा दीजिए, ठीक है, और स्ट्रांग मैग्नेट लगा के उसको और रेडियल कर दो, लेकिन वो नहीं कारण, वो नहीं कारण। एक और जोरदार बात है इससे रिलेटेड कि आखिर क्यों हम रेडियल कर रहे हैं, अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टॉर्क। टॉर्क लगेगा तब ना घूमेगा, और टॉर्क किस पे लग रहा है? सिलेंडर पे नहीं, वायर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुनो अब तीसरा चीज़, एक डाउट इसमें स्टूडेंट लोग पूछते हैं, सर रेडियल फील्ड बनाए तो ठीक, तुम लोगों को तो डाउट आया नहीं होगा जीवन में, है कि सीधा सीधा देखती हो कि अच्छा ऐसे हो रहा है यही हो, तुम थोड़ा थोड़ा सोचती हो, तुम ठीक है तुम थोड़ा थोड़ा सोचती हो, लेकिन बाकी मैक्सिमम लोग अच्छा है यार ठीक ठीक। देख कुछ अच्छा बच्चा लोग जो थोड़ा पढ़ने लिखने वाला हो, बकैती नहीं करने वाला लोग, पूछता है सर ये बताइए कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया, बकलोल तुम बताना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया है और फिर यहाँ निकला है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया फिर यहाँ निकला कि यहाँ गया है, बताओ जल्दी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से निकला है वो यहाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, बताओ है? ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है? ऐसे जा रहा होगा, और ऐसे जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर ऐसे वो चला गया, अगर ऐसे चला गया तो देखो क्या होगा, हम बता हम यहाँ पर बनाते हैं। अगर ऐसे चल गया, यहाँ पर बनाना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन यार कॉन्सेप्ट तो वही कहता है कि रेडियल फील्ड यानी रेडियस की तरफ पॉइंट करता हुआ, फिर ये क्या बात है बता रहे हैं? देखो ये तुम्हारा सर्कुलर लूप, ठीक है, क्या
पहले देख ले बकलोल, ये देखिए लूप है ठीक है, और यहाँ से ऐसे गया अगर मैग्नेटिक फील्ड मान ले ठीक है, और हम लोग सोच ले कि ऐसे निकला, तब तो यहाँ पर ऐसे गुजरेगा ये सेंटर से, और फिर ये दूसरा वाला एक और जो आएगा वो मान लो ऐसे गया है तो ऐसे गुजरेगा, तब तो कट जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा, फिर जो बीच वाला है वो ऐसे गया तब तो इंटरसेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो फिर गड़बड़ा गया। लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियस की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब तुम बोलोगे नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं हो रहा है सर, ये ना ऐसे घूम के जा रहा है जैसे तुम बताई। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व होता है? अरे होता है, कैसे नहीं होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व कैसे नहीं होता है? कर्व के जैसे अपना क्लोज लूप होता है लेकिन कर्व नहीं बनाते हैं, सोलिनॉइड याद करो, मैग्नेटिक फील्ड कर्व हो सकता है, स्ट्रेट लाइन जरूरी थोड़ी है। स्ट्रेट लाइन होगा तो मतलब मालूम चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है ठीक है, लेकिन कर्व होता है ऐसा थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर्व होता है ना, ये सब तो पता होना चाहिए यार ठीक है। अभी देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया है ना, एक्चुअली एक्चुअल प्रैक्टिस में ये ऐसा हो रहा है, एक्चुअली अगर बात करो, एक्चुअली एक्चुअली मतलब सच्चाई में कि प्रिया और किससे किससे मिलती है, अगर वो देखें हम लोग एक्चुअली देखें तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये जो जा रहा है, ये जो निकला ऐसे और ये जो ऐसे गया ये ऐसे गया है, क्या है कि नहीं बताओ, समझ आया? और ये जो नीचे वाला ऐसे जा रहा है क्या ये उधर गया है? ऐसे गया है, तो दिस इज एक्चुअल, एंड बीच वाला ऐसे, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर कहाँ ये रेडियल हुआ? फिर रेडियल फील्ड नाम क्यों दिए? कहाँ ये रेडियल के रेडियस की तरफ हुआ पॉइंट? नहीं ना हुआ। अगर तुम उसको रेडियल फील्ड बोल दोगे तब तो इंटरसेक्ट कर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज डिससेटिस्फाई हो जाएगा, समझ आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन अगर फिर वैसा नहीं करते हैं तब तो फिर रेडियल कहने का मतलब ही नहीं रहेगा, अगर ऐसा हो गया तो रेडियल कहाँ हुआ फिर ये? तब तो फिर अगर मान लो तुम इसको और स्ट्रॉन्ग कर दिए तो यहाँ वाला जो फील्ड होगा वो ऐसे जाएगा ना, तो फील्ड ऐसे नज़दीक आ रहा है लेकिन रेडियल तो नहीं हो रहा है, ये फील्ड तो ऐसे जा रहा है। तो हम लोग ना ऐसा सोचे हैं, मतलब कि जब हम लोग देखते हैं ऐसे करके तो हम लोग को दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है, लेकिन ये बात हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे गया है, रेडियल उसको हम लोग नाम दिए हैं। अच्छा ये तुम ये बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी है कि कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये एक साइंटिस्ट के द्वारा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ऐसा वो अपने से बताया था ना कि इंटरसेक्ट नहीं करता है कभी भी अपने से, लेकिन ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है उसमें कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए किताब में साफ साफ बढ़िया किताब में लिखा है, ऐसे लोड़ा ये सब में एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बढ़िया किताब में उसको एक्सप्लेन किया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहे आप ऐसे सोचिए चाहे आप ऐसे सोचिए दोनों ठीक है, हाँ लेकिन जब कर रहे हैं जब टॉर्क का कैलकुलेशन ये सब लगा रहे हैं तो ये लेके चलना है, समझ आया? तो जा रहा है एक्चुअली ऐसे ही, लेकिन तुमको क्या क्या मान के चलना है ये वाला कैलकुलेशन करते वक्त। और ये वाला क्यों नहीं दिखा रहे थे, ये ऐसा डायग्राम यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर बीच में खोखला क्यों छोड़े हैं, यहाँ खाली क्यों छोड़े बीच में? क्योंकि अगर इसको दिखाने लगे ऐसे ऐसे तब तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, समझ आया? तो तुमको ये दोनों डायग्राम्स भी कॉपी में बना लो, लेकिन एग्जाम में ये मत बना, मास्टर सोचेगा पगला गया है। हालांकि ये भी बनाना चाहिए बट एडुकेशन सिस्टम रटने वाला है, मैक्सिमम रट्टाफिकेशन वाला है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हैशटैग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या दोनों डायग्राम सही है? हाँ दोनों सही है, दोनों सही है, ये एक्चुअल वाला है ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली, डू नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली, ठीक है बना ले दोनों। ये सी सी डायग्राम हो गया, यही तो सबसे मेन पार्ट है यार, बाकी सब तो ठीक है किताब में मिल जाएगा घिसा पीटा, मेन तो यही था। चलो अब हम लोग आगे आते हैं, इसका प्रिंसिपल लिखेंगे अब हम लोग, हाँ नेक्स्ट देखना, अब हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे इसका, और उसके बाद प्रिंसिपल लिखने के बाद फिर इसका कंस्ट्रक्शन का बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन यानी जो हम समझा चुके हैं, अच्छा एग्जाम में जैसे क्या करोगे ना, हम तो डायग्राम पहले बनवा दिया ना, एग्जाम में जैसे आएगा तो जहाँ पर डायग्राम लिखो वहाँ तुम कंस्ट्रक्शन लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम लिखो कंस्ट्रक्शन लिखो एक ही बात है ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखवाया जाएगा वही सब पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या, ये नहीं कि जो सिलेंडर है वो बीच में, वो सब नहीं, ये लिखवाया जाएगा कि फॉस्फर ब्रॉन्ज का क्या काम है, वहाँ पर हेयर स्प्रिंग का क्या काम है, मैग्नेट कौन सा है, रेडियल फील्ड कैसे बन रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर का क्या काम है, ये सब लिखवाया जाएगा, और रेडियल फील्ड के बारे में भी बहुत सारा बात लिखवाया जाएगा ठीक है। नहीं नहीं प्रिंसिपल, अरे बकलोल, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि काम कैसे कर रहा है, सुई कैसे घूम रहा है, वो प्रिंसिपल हुआ। तो पहले लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है इसका व्हेन, अरे प्रिंसिपल पता है इसका क्या है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वही जो टॉपिक है, टॉपिक जो पढ़ी अभी पीछे, टाओ बराबर निब्बा साइन थीटा, वही इसका प्रिंसिपल है। टॉर्क को रखी जब मैग्नेट के बीच में तो उस पर जी सॉरी लूप को रखी जब मैग्नेट के बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, यूनिफॉर्म होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब तो भाई गड़बड़ा जाएगा ना, कहीं पर ज़्यादा लग जाएगा टॉर्क, कहीं पर कम लग जाएगा तो घूमेगा कैसे वो, समझ आ रहा है? अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ तो कहीं पर ज़्यादा फोर्स लग जाएगा कहीं कम लग जाएगा, तो फोर्सेस कैंसिल, तब तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा, तब तो गड़बड़ा जाएगा पूरा वो कहानी, समझ में आ रहा है? अभी समझाए थे वो जस्ट, चलो देखो। तो व्हेन अ करंट लूप
करंट लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट experiences a torque and as a result of that torque angular deflection मतलब वही अल्फा जो बोल रहे थे, ये जो मीटर स्केल है ये से घूमता है ना, तो ये देखो ये मीटर स्केल कुछ एंगल बनाएगा ना, तो उसको एंगुलर डिफ्लेक्शन और एंगुलर डिफ्लेक्शन को यहाँ हम अल्फा से डिनोट करेंगे। बहुत लोग थीटा लेता है, फाई लेता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ, अरे भाई अंडरस्टूड है एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा मतलब अल्फा होगा, तो पॉइंटर लिखने की जरूरत, अजीब सा दिखेगा वो एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, कैसा अजीब सा लगेगा एकदम भिखारी टाइप का, समझ में आए। तो यहाँ पर देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा यहाँ पर एक और बात है कि जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा क्या होगा एंगुलर डिफ्लेक्शन, खतरनाक हो गया ये नहीं, जितना ज़्यादा टॉर्क उतना ज़्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन, या फिर ऐसा बोल लो टॉर्क कैसे आता है, बताओ टॉर्क कैसे आता है, एन आई ए बी साइन थीटा, करेंट होता है तब ना टॉर्क होता है, तो जितना ज़्यादा करेंट उतना ज़्यादा टॉर्क, जितना ज़्यादा करेंट उतना ज़्यादा टॉर्क, तो हम लोग ये कह सकते, अच्छा करेंट हुआ तब ना टॉर्क हुआ जी, है तो यानी कि तुम ये बोल सकती हो प्रिंसिपल में कि जो करेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अरे फाई क्यों लिख रहे हैं यार अल्फा, ठीक है काम करो बीटा लेके करो, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा ले लो, बीटा उटा मत लो, कोई किताब में बीटा लेके नहीं बताया, अल्फा ले लो, अल्फा व्हाट इज अल्फा एंगुलर डिफ्लेक्शन, तो समझ में आया हम टॉर्क यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, टॉर्क यहाँ क्यों लिखे समझ में आया, क्योंकि ये करंट लूप पहले करंट था ना इसमें, करंट की वजह से कौन आया, टॉर्क की वजह से कौन आया, तो करंट की वजह से एंगुलर डिफ्लेक्शन, समझ आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले आया करंट जो तुम दे रही हो, करंट तुम दे रही हो करंट, क्योंकि तुमको अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आई ना कि हमको जानना है इसमें कितना करंट है, मतलब सॉरी कितना इसमें करंट है, हाँ भाई भाई तुमको इंस्ट्रूमेंट में जाना था कितना करंट है, तो उसके लिए लेके आई, ठीक है तो करंट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा टॉर्क और उतना ज़्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन, तो तुम ये बोल सकते हो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ये खतरनाक दिख रहा है लेकिन ये नहीं अल्फा अल्फा दो बार नहीं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है चलो इसको लिखो, ये प्रिंसिपल हुआ इसका, ये प्रिंसिपल लिख लो लास्ट तक है, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ये भी लिखोगे एग्जाम में तो हो जाएगा, तो समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है ये समझाने के लिए, व्हाट इज अल्फा एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो इसका कंस्ट्रक्शन के बारे, ठीक है तो अभी हेडिंग डालना है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब वही सब यार किसका का इस्तेमाल है, रेडियल फील्ड का इस्तेमाल है वही सब, ठीक है तो यहां पर पहला पॉइंट है द सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इज माउंटेड सिमेट्रिकली। अब तुम ये सोचो यार हम तुमको बिना डायग्राम बताए ये सब लिखवाते तो कोई मतलब रह जाता उसका, समझ ही नहीं आता कि क्या लिख रही हो, इसलिए पहले डायग्राम हम बताएं, द सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इज माउंटेड सिमेट्रिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट का पोल्स के बीच में हम लोग सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रखे हैं, ठीक है इट इज़ अ किसके बारे में हम बोल रहे हैं, सॉफ्ट आयरन कोर के बारे, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक, जल्दी नहीं लिखना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बना देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, रेडियल मतलब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, बोले कि सर्कल सिलेंडर, अरे बकलोल ये तो सर्कल है ना, हाँ तो रेडियल का मतलब पॉइंटिंग टुवर्ड्स रेडियाई ऑफ सर्कल, क्योंकि सारा रेडियस आ रहा है ना यहाँ पर, आ रहा है इसलिए, ठीक है तो ये लिख लेना रेडियाई ऑफ सर्कल है ना, आर सारा देखो ये भी आर, ठीक है चलो ये पहला पॉइंट हुआ, मिटा दे इसको हम,
ठीक है, ये पहला। अब दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। अच्छा यहाँ पर लिख दे, देखो स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसको बोल रहे हैं, तो ये रेडियल फील्ड से कुछ फायदा आगे बताया जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ रेडियल, यूज ऑफ रेडियल फील्ड। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे रेडियल फील्ड के बारे में। नहीं रेडियल फील्ड रुक जाओ अभी मिटा दें। ओके तुम लिखिए पक्का ना, चलो ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ये हेयर स्प्रिंग के बारे, बालों में स्प्रिंग। दूसरा, बालों में स्प्रिंग यानी हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग प्रोवाइड्स, हेयर स्प्रिंग प्रोवाइड्स क्या करता है, हेयर स्प्रिंग मुड़ता है टॉर्क, फिर उसको वापस घूमता है, तो उसको कौन उसमें हेल्प करता है, हेयर स्प्रिंग है ना। तो हेयर स्प्रिंग प्रोवाइड्स रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब वापस घूमने वाला सिनेरियो। ठीक है, और यहाँ पर ये दो हेयर स्प्रिंग है, एक ऊपर लगा एक नीचे लगा, दो था ना, याद करो ऐसे मुड़ा हुआ था दो। ठीक है, तीसरा पॉइंट द फॉस्फर ब्रॉन्ज। हाँ बोलो, नहीं, वैसा नहीं होता है। देखो क्या होता है ना, जब देखो जैसे मान लो तुम करंट पास की, तो वो कॉइल ऐसे घूमा, ये वाला कॉइल ऐसे घूमा, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा पॉइंटर है वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वापस जाएगा तो भी ये यहीं पर रुका रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि करंट मेजर हो चुका है, तो तुम मेजरमेंट कर लोगी बहुत देर तक, जब तक करंट पास करोगी तब तक ये ऐसे घूमेगा, फिर घूम के रुकेगा, उसके बाद वापस ऐसे जाएगा, फिर घूमेगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, ऐसा होता है। मतलब कि वो घूम भी रहा है और वापस भी जा रहा है, समझ आया। कौन कौन कौन, कॉइल द फॉस्फर ब्रॉन्ज। देखो एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, द फॉस्फर ब्रॉन्ज कंट्रोल्स डी मूवमेंट ऑफ कॉइल। अब ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम पूरा ही घूम के, एकदम घूम घूम के पूरा वायर वायर टूट टाट जाए, तो उसको कौन संभालता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज में ऐसा क्या है, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज का सी बहुत ज़्यादा होता है। सी मतलब वो नहीं जो तुम सोच रही हो, सी का मतलब यहाँ पर वही है जो तुम सोच रही हो, सी का मतलब यहाँ पर है टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। बताया जाएगा इसके बारे में, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है वायर का मटेरियल कैसा है, वायर का मटेरियल कौन सा है, उसका मतलब होता है टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। जैसे यहाँ पर जो वायर हम लोग लिए थे ऐसे बड़ा सा दिख रहा है डायग्राम में, वायर जो बनाए थे ऐसे करके टर्मिनल्स बैटरी उटरी बनाए थे, तो वो जो वायर ले रहे थे वो किसका है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का है। तो ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज होता है उसका सी का वैल्यू ज़्यादा होता है, उसका सी का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो सी ज़्यादा होने से टॉर्क हमको ज़्यादा मिलता है। पता नहीं, देखेंगे, सी का हमको याद नहीं आ रहा सी के बारे, ठीक है बताएंगे सी के बारे अभी, लेकिन सी उसका कुछ होता है, सी में कुछ ऐसा वैल्यू रहता है सी का जिससे हमको टॉर्क बढ़िया मिल पाता है, टॉर्क पे असर पड़ता है उससे, समझ आए। अब देखो नेक्स्ट, तीसरा चौथा पॉइंट ये है कि ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का हो गया, और कुछ बचा है उसमें, देखो तो हेयर स्प्रिंग हो गया, हाँ ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो इसके बारे करेंगे, क्या नाम है रेडियल फील्ड का। ठीक है, चलो अब यहाँ तक ठीक है, लिख लिया हो गया। चलो हम लोग बात करेंगे इसका मतलब वर्किंग। तो वर्किंग से पहले रेडियल फील्ड समझना जरूरी है। ठीक है, तुम ये बताओ यार कि चौथा पॉइंट जो है उसमें हम लोग बात करेंगे टॉर्क के बारे। ठीक है, एज मच एज द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड द एंगुलर डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड। सही बात है ना, जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन। अब तुम यार एक जोरदार बात पे ध्यान नहीं दी, कोई ध्यान नहीं देता बकलोल लोग, लेकिन कोई कोई पूछता है जबरदस्त जो रहता है थोड़ा पढ़ने में, बकलोले रहता है वो तो नहीं है पूछता है, जो जबरदस्त रहता है वो लोग पूछता है। देखो यहाँ ऐसे ये है नॉर्थ पोल, और ऐसे ये क्या था साउथ पोल, और यहाँ पर क्या था मैग्नेटिक फील्ड, और करंट लूप कैसे रखा हुआ था, करंट लूप ऐसे था। अब तुम ये सोचो यार, जब ये करंट लूप ऐसे घूमेगा, अभी एंगल कितना बन रहा है, अभी ये इसका जो एरिया, ये यहाँ फॉर्मूला देख, टाओ बराबर एम बी साइन थीटा होता है ना, या फिर निब्बा साइन थीटा जो लिख लो, चलो निब्बा साइन थीटा NIAB sin theta लिख लेते हैं, एम बी छोड़ दो, निब्बा साइन थीटा। यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल कौन है, थीटा। एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कौन है, साइन थीटा, समझ में। अभी तुम देखो इसका एरिया वेक्टर किधर है, लूप का ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर, तो एंगल कितना बन रहा है,
लेकिन जब ये ऐसे घूम जब घूमता है ना, तो घूमने से तब तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, उसका एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे जब ये घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा, तब तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तब तो यानी कि टॉर्क इसका निब्बा, निब्बा से कितना हो जाएगा, निब्बा से टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। भाई साहब तब तो फिर वो जो सुई है वो ऐसे ऊपर गया फिर वापस हो जाएगा। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जब ये ऐसे घूमा तो सुई ऐसे ऊपर गया, फिर ये ऐसे जब रह गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। समझ आया? 0 हो गया तो सुई वापस चल गया, फिर ये ऐसे घुमा तो फिर सुई बेचारा डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब सुई ऊपर गया। फिर जब ये ऐसे हो गया तो फिर सुई क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। क्योंकि देखो ऐसे जाने पे टॉर्क क्या हो जा रहा है, 0। और टॉर्क जब 0 हो जा रहा है तो डिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, डिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा। समझ आ रहा है? तब तो गड़बड़ा जाएगा मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को, सुई ऐसे ऐसे होते रहेगा, ऐसे ऐसे होते रहेगा। अच्छा तुमको नाम पता चला मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर क्यों है? क्योंकि कॉयल मूव करता है तब गैल्वेनोमीटर काम करता है, इसलिए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। समझ आया? और गैल्वेनोमीटर क्यों? क्योंकि मीटर स्केल में डिफ्लेक्शन होता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब गैल्वेनो तो साइंटिस्ट के नाम पे, गैल्वेनो तो साइंटिस्ट से आया, पता नहीं कहां से आया गैल्वेनो, लेकिन गैल्वेनोमीटर समझ गए, मूविंग कॉयल क्यों बोल रहे हैं। ठीक, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर ऐसे नाम रखा। ऐसे सुनो आगे, तो अल्फा तो 0 हो जाएगा, तो गड़बड़ा गया ना यार ये। तो तुम हमेशा ये रखना चाहोगे टॉर्क को या फिर ये, तुम्हारा क्या पसंद है बताओ, हमेशा टॉर्क को ये रखना चाहोगे या फिर ये? क्योंकि अगर 0, अच्छा मतलब कि थीटा, अच्छा यार मतलब कि ये तो बड़ा गजब चीज़ है। तुम और थोड़ा इस पर विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करो। अभी 90 है, अभी कितना है थीटा बताओ, 90 है। अब ऐसे घूम गया, अभी कितना हुआ, 0 मत बोलना, मार के मुड़ी कान फोड़ देंगे। अभी ये एरिया वेक्टर ऐसे था तो 90 था, जब एरिया वेक्टर ऐसे हुआ तो 0 हो गया। अभी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर 30 डिग्री बन रहा होगा, 30-60 कुछ बन रहा होगा। तो यानी कि ये जो टॉर्क है ये तो चेंज होता रहेगा, टॉर्क तो हर समय चेंज होगा। तब ये अल्फा हर समय चेंज होगा, सुई तो ऐसे ऐसे होते रहेगा। सुई जो है गैल्वेनोमीटर का अल्फा के हिसाब से, अल्फा मतलब सुई, ऐसे सुई लगा होता है, मीटर ऐसे होता है, और ये अल्फा इसको बोलते हैं। जितना सुई ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा अल्फा बनेगा। तो अल्फा तो 0 कभी हो जाएगा, कभी मैक्सिमम हो जाएगा, तो सुई तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो कहाँ मेजरमेंट लोगी, घंटा मेजरमेंट लोगी, तुम सुई ऐसे ऐसे हो रहा है कहाँ मेजरमेंट लोगी, पता ही नहीं चलेगा क्या करंट है। नहीं समझ में आया? तो गड़बड़ा जाएगा भाई, या तो फिर पगला जाओ, फिर वहाँ पर पगला जाओ, मतलब पगला जाओ मतलब ऐसे देखते रहो ऐसे करके, कि जैसे ही सुई एकदम ऊपर मैक्सिमम ऊपर गया तो तुरंत रीडिंग लिख ली। 3-4 आदमी वहाँ पर लाना पड़ेगा, 3-4 तो मतलब कि अपना साला को भी बुला लोगी, दामाद जी को भी बुला लोगी, देखते रहिएगा मेजरमेंट क्या आएगा, उस तुरंत लिखेंगे हम। तो वैसे में तो पागल वाला हो जाएगा यार, तब तो सब एक ठो गैल्वेनोमीटर में 4 लोग लगा हुआ है। समझ आ रहा है? एक ठो गैल्वेनोमीटर और 4, मतलब एक लड़की 4 लड़का परेशान उसके पीछे, वही वाला हालत हो जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए ना। तो हम ये थीटा को क्या कर देंगे, थीटा को फिक्स कर देंगे। थीटा को क्या करना पड़ेगा, फिक्स। तो थीटा अगर यहाँ से गायब हो जाए तो झमेला ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई साहब, जब ये ऐसे है तो ये जो इसका एरिया वेक्टर घूम रहा है उसके कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। हम क्या करेंगे, थीटा वाला मामला ही, मतलब यहाँ जो साइन थीटा उसको गायब कर देंगे। और साइन थीटा गायब करने का तरीका क्या है, इसको 90 कर दो। लेकिन वैसा तो हो नहीं सकता है, वैसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये देखो ऐसे रहेगा जब, और ये ऐसे रहेगा तो ये तो घूमेगा ही ना इसका एरिया वेक्टर। तो क्या करें, उसका सॉल्यूशन मात्र एक है। सॉल्यूशन कौन है उसका, रेडियल फील्ड। क्या सॉल्यूशन है कि थीटा को 90 कर दो, रेडियल फील्ड। बोलोगे रेडियल फील्ड कहाँ सॉल्यूशन है, देख बता रहे हैं अभी। क्या सॉल्यूशन है उसका, रेडियल फील्ड। समझ में आया दिक्कत क्या है? तो ये मिटा देंगे, ये पॉइंट से तुमको याद आ जाएगा जो हम तुमको बताएं। रेडियल फील्ड से क्या होगा हम बता रहे हैं। देखो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यार बाबू यहाँ देखो, पहले तो जो हम मैग्नेटिक फील्ड सीधा बनाए थे ना, वो सीधा था ही नहीं, सीधा है मैग्नेटिक फील्ड नहीं। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो रेडियल है। अभी देखना तुम एक चीज़ देखना, अच्छा इसका जो 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 लूप दिख रहा है ये वाला, यहाँ देखो डायग्राम देखो, ये ऐसे करके लूप है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है ना, वही बनाए हैं ना यहाँ पर। अभी देखना रेडियल फील्ड का फायदा, यहाँ पर ऐसे करके करंट लूप है ये वाला, ठीक है। अभी तुम देखो यार ये लूप कैसा होगा, इसको मिटा रहे हम ये सब, समझना ये डायग्राम इसीलिए हम बचा के रखे ताकि तुमको समझा पाए कि थीटा हमेशा कितना हो जाएगा, कैसे होगा बता रहे वो। ये बताओ कि यहाँ पर करंट लूप कहाँ पर है, क्या ये सिलेंडर से 90 एंगल देखना है, कि किससे देखना है एंगल, जो लूप है ये वाला, ये लूप और जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है उसके बीच में एंगल देखना है, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि ये वाला ऐसे है अभी, ठीक है। तो इसका ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला लूप, ये होगा कैसे, ऐसे होगा एक्चुअली में, अरे ऐसा ही है ना यार, ये ऐसा ही है ना, ठीक है। तो अभी ये ऐसे नहीं है, अभी क्या हुआ, ये घूम गया है, मतलब ये ऐसे हो गया डायग्राम, तो ऐसे टेढ़ा तब ना घुमाया। ये क्या है, ये तीन लाइन क्या है, ये तीन लाइन ये लूप है, ये वाला लूप जिसको तुम ऊपर से देख रही हो यहाँ से, ये वाला वही बनाया ना, ये वाला दिखाया वायर, ठीक। अभी ये वायर ऐसे है और तुम ये देखो यार इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, मतलब ऐसे डायग्राम नहीं है, तुम तो ये ऊपर से देख रही हो, डायग्राम तो ऐसे है ना, अरे ये सिलेंडर तो ऐसे रखा हुआ है ना, तुम टॉप व्यू देख रही हो,
मैग्नेटिक फील्ड ये वाला कैसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो तुम देखना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, और इसका इस लूप का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर होगा। कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा। अब तुम देखना नेक्स्ट, अब तुम नेक्स्ट डायग्राम यहाँ देखो, नेक्स्ट डायग्राम देखना यहाँ पर, यहाँ देखना। मान लो ये घूम गया, ये क्या हो गया, अभी पहले टेढ़ा वाला बनाते हैं, पहले ये टेढ़ा था मान लो, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड चुनोगी जो वायर से पास कर रहा है। अरे इधर से क्या मतलब, वायर से तो ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है ना, वायर से ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, तो इसको उठा लो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और इस लूप का एरिया वेक्टर कैसे होगा, नहीं होगा यार बाहर, तुम गलत समझ रही हो, बाहर नहीं होगा, ये सिलेंडर ऐसे है ना, वही मैं यहाँ से थोड़ी ऐसे ऊपर होगा यार, ये इस लूप का ये एरिया वेक्टर देखना है। तो एरिया वेक्टर देखो, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसमें पॉइंटिंग ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर किधर है लूप का बताओ, बाहर, ठीक है, देखो यहाँ पर बता दें, ऐसे होगा। ये क्या बना, ये क्या है, व्हाट इज दिस एरिया वेक्टर, की एरिया वेक्टर, ठीक है, अच्छा। और मैग्नेटिक फील्ड लूप में ऐसे पॉइंट कर रहा है, अब जब ये लूप ऐसे घूम जाएगा, अभी देखो ये वाला ऐसे है, और इसका एरिया वेक्टर मान लो ऐसे समझने के लिए, ये एरिया वेक्टर क्या ऊपर जा रहा है, नहीं 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 अंदर, ये एरिया वेक्टर अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल कितना बन रहा है साफ साफ 90, तो थीटा कितना हो गया इसके, इसमें 90 डिग्री। आगे देखना, आराम समझना, देखो अभी देखो क्या होगा, आगे देखो, मान लो ये लूप घूम गया, पहले देख लो ये लूप मान लो घूम गया, मतलब ऐसे से ऐसे हो गया, घूमता है ना कॉइल, घूमता है, घूमने पर ही तो एंगल चेंज हो रहा था। अभी देखना यहाँ पर, अभी अभी जब ऐसे घूम गया है जी, तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे हो गया है, पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, अभी जब ये ऐसे घूम गया तो एरिया वेक्टर भी घूम गया साथ साथ। देखो ये टू थ्री डी में, ये थ्री डी में दिखा रहे हैं, तुम ऐसे ऊपर से देख रही हो, तो एरिया वेक्टर ऐसे घूम रहा है ना, उसी को देख रही हो तुम कि एरिया वेक्टर ऐसे घूम रहा है, वही वाला है, देखो ऐसे बनाए हैं, ये ऐसे नहीं है बाबू, ये एरिया वेक्टर ऐसे नहीं है, ये एरिया वेक्टर ऐसे है, समझ आया मेरी बात, अभी समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ये ना एरिया वेक्टर ऐसे थोड़ी है यार, ये ऐसे एरिया वेक्टर, उसी को हम तुमको दिखा रहे डायग्राम में, समझ में आया। अभी सुनना, अभी सुनना, जब इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, तो अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे था, लेकिन क्या ये वाला मैग्नेटिक फील्ड उससे पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला ले लो इस बार, तो ये वाला ले लोगी, इसको भूल जाओ, इसको क्या लोगी, जो वायर से तो सीधा जो पास कर रहा है वो लोगी, समझ आया। अब मान लो कि ये और घूम गया, घूमने घूमते रहता है ना, ये तो घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है, समझ आया। मान लो ये और घूम गया, और घूम गया, मान लो ऐसे हो गया, अब इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया बताओ, अब इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, मतलब कि ये वाला एरिया वेक्टर जो कि ऐसे था, ऐसे अंदर जा रहा था, वो घूम के अब ऐसे हो गया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला लोगी, देखो इसके लिए को, देखो देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तैयार खड़ा, आओ मेरे साथ रिश्ता बना लो, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तैयार खड़ा, लिए बन गया रिश्ता दोनों का, समझ आया। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड ये मत सोचो यार कि ऐसे जा रहा है, 0 डिग्री हो जाएगा तब तो। ये एरिया वेक्टर फिर बता रहे हैं यार कि एरिया वेक्टर कैसे है यहाँ पर, किससे, हाँ देखो एरिया वेक्टर ऐसे है, दिस इज द एरिया वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मान लो कि देखो ये लूप है, तो लूप का एरिया वेक्टर ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पॉइंट कर रहा है रेडियली, तो एंगल कितना बन रहा है, मान लो ऐसे घूम गया, तो घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरा वाला तैयार रहेगा रेडियल, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उससे एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री, चाहे कितना भी घूम जाए। देखो यहाँ पर ये एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड चुनोगी जो ऐसे आ रहा है, क्या ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये ऐसे घूम जाएगा तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड चुन लो, तो हमेशा एंगल कितना हो जाएगा, 90, इस केस में भी 90, इस केस में भी 90, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मेरे पास चॉइस हो गया, कि हम जैसे जैसे ये लूप घूमेगा हम वो मैग्नेटिक फील्ड चुन लेंगे जो एंगल कितना बनाए उसके साथ, 90 डिग्री। और ये कब हो पाया, जब ये फील्ड को हम क्या किए, रेडियल, मान लो ये फील्ड स्ट्रेट लाइन होता तो काम हो पाता, नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में ना, नहीं आया। देखो अगर ये फील्ड ऐसे स्ट्रेट लाइन होता, जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन फील्ड बना दें यहाँ पर, हम स्ट्रेट लाइन फील्ड बना दें, मतलब ऐसे फील्ड बना दें, तब ये जब ऐसे घूमता तो खाली यहीं पर 90, जब ये ऐसे घूम गया मान लो, तो घूमने के बाद अभी एंगल के अभी खाली इसी केस में 90 है, जब ये ऐसे हो जाता तो क्या ये फील्ड इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये लूप ऐसे हो गया। देखो अब क्या हो जाता है ना इस केस में, ये लूप का एरिया वेक्टर ऐसे हो गया और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया, लूप का एरिया वेक्टर ऐसे हो गया और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तब तो 0 डिग्री हो जाता, समझ आ रहा है। लेकिन इस फील्ड को हम लोग ऐसे नहीं किए, क्या किए फील्ड को हम लोग, ऐसे कर दिए, तो ऐसे करने पर क्या हो गया, जब ये ऐसे हो गया और इसका एरिया वेक्टर ऐसे अंदर है ना, तो एंगल 90 डिग्री, समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम लोग लेते हैं रेडियल फील्ड, थीटा 90 डिग्री, और ये कौन कर पाया, रेडियल फील्ड, तो लिखते हैं हैशटैग, ये फोर्थ पॉइंट हैशटैग द रेडियल, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द टॉर्क मैक्सिमम, मेक्स द टॉर्क मैक्सिमम, क्या कि एंगल कितना ले बना दे रहा है वो 90 डिग्री, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द टॉर्क
मैक्सिमम, और मैक्सिमम बनाने के लिए वो क्या किया, थीटा को 90 डिग्री पे फिक्स कर दिया। यानी तुमको ये समझ में आया कि टॉर्क हमेशा मैक्स होगा जिसका वैल्यू होगा निब्बा। ले यहाँ तो पूरा है निब्बा आ गया, साइन थीटा भी हटा दिया हम लोग, निब्बा पूरा बोलेगा निब्बा वाला पूरा मामला आ गया, पूरा मतलब टॉर्क थीटा वाला मामला ही हटा दी। ठीक है, ये हुआ टॉर्क ड्यू टू। तो तुमको रेडियल फील्ड का यूज़ समझ में आया, रेडियल फील्ड का बहुत यूज़ है। पहला, टॉर्क को बढ़ा रहा है। बोलो कि बढ़ा कैसे रहा टॉर्क को, 90 करके? नहीं 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 90 करके नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ा रहा है ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास लेके आ रहा है। तो रेडियल फील्ड का दो काम है, जो तुम एक लिखी भी हो कॉपी में, एक मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग बनाना और दूसरा, हाँ समझ आया कि नहीं आया बोलो। तो ये हो गया होगा, हम लोग चलते हैं अब इसका वर्किंग पे। अब हेडिंग डालना है वर्किंग, वर्किंग मतलब वही फॉर्मूला है इसका, वर्किंग फॉर्मूला। ठीक है, सारा चीज क्लीन, अब लिखो वर्किंग। वर्किंग मतलब वही यार फॉर्मूला उसका। वर्किंग में तुम ये सब भाषण लिख सकती हो, एज द करंट पासेस थ्रू द कॉइल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टॉर्क है ना, द डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन द पॉइंटर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिफ्लेक्शन वी आर एबल टू डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ करंट इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये भाषण लिख लोगी खुद से? ठीक है चलो, ये सब ज्ञान तुम लोग दे देना एग्जाम में। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। अच्छा ये बताओ यार, यहाँ पर पहले हम लोग बात करेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क के बारे, रीस्टोरिंग टॉर्च, रीस्टोरिंग टॉर्च, रीस्टोरिंग टॉर्च को हम लोग लिख लेते हैं टाउ से। ठीक है, अब ये बताओ कि जितना ज़्यादा वो घूम रहा है सिलेंडर, उतना ज़्यादा ही भी तो वापस भी तो जा रहा है। जैसे कपड़ा को घुमाए थे, कपड़ा को जितना ऐसे मोड़ेंगे उतना ही वापस भी जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ नहीं 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 पागल हो गया क्या? पहले लगा टॉर्क जो कि सिलेंडर को घुमाया, कहाँ गया कपड़ा देख, पहले टॉर्क लगाओगे, पहले घुमाओगी ना, इसके हिसाब से जब ये घुमाते जाएगी तो ये वापस भी जाते जाएगा भाई साहब। पहले इसको घुमाओगी, घुमाई घुमाई एकदम दम भर घुमा ली, तब छोड़ी, तब रिस्टोर हुआ। तो जितना इसको ऐठोगी, जितना इसको घुमाओगी उतना ही ये वापस भी तो आएगा, जैसे ये वायर। समझ आया मेरी बात? हाँ, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, भाई साहब देख यहाँ पर बता रहे हैं, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा मीटर स्केल में उतना ही रिस्टोर भी तो होगा ना टॉर्क। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगी तो कांस्टेंट दोगी फाई और यहाँ अल्फा, समझना दोबारा बताते हैं। ओ सॉरी सॉरी, फाई क्यों दोगी यार, सी दोगी ना कांस्टेंट, सी और अल्फा, समझना। देखो बता रहे हैं, देखो ए बाबू ए, देखो जब उसको घुमा रहे हैं तो वो टॉर्क रिस्टोर कितना होना उसको पता कैसे चलेगा? जो वापस घूमना है सिलेंडर को उसको पता कैसे चलेगा कितना वापस घूमना है? जितना ज़्यादा मीटर स्केल ऐसे किया होगा उसी हिसाब से उसको मालूम चलेगा कितना वापस जाना है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में, बताते हैं। देखो जैसे मान लो ये घुमा ऐसे करके, तो घूमने के बाद फिर क्या होगा, वापस होगा, तो वापस कितना होगा, जितना ज़्यादा मीटर स्केल गया होगा उतना ही इसको वापस घूमना पड़ेगा अपना एक्चुअल पोजीशन में आने के लिए। तो कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वही अल्फा है, तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा किसमें, मीटर स्केल में, उतना ज़्यादा सिलेंडर वापस घूमेगा। अच्छा डिफ्लेक्शन आ क्यों रहा है, टॉर्क की वजह से कि रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से, बताओ सोच के, टॉर्क की वजह से। और टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्शन आया, जितना डिफ्लेक्शन आया उतना वापस भी घूमा। ठीक है हाँ बोलो, समझ में आया? तुमको नहीं आया? देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है इसको हम ऐसे घुमाएं, ठीक है तो घुमाएं तो मीटर जो स्केल है वो ऊपर गया ऐसे करके और रुक गया वहाँ जाके। ठीक है, अब इसको ये वाला चीज़ इंस्ट्रूमेंट को पता कैसे चलेगा कितना वापस जाना है, बताओ पता कैसे चलेगा कितना वापस जाना है? जितना डिग्री वो सुई ऊपर गया होगा उतना ही डिग्री इसको वापस जाना पड़ेगा। क्यों वापस जाना पड़ेगा? क्योंकि तुम जब स्विच ऑफ कर दोगी, स्विच ऑफ कर दोगी तो सुई वापस आएगा ना, तो सुई जब वापस आएगा तो ये भी तो वापस आएगा। नहीं समझ में आया? ये ऐसे घुमा 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 कौन रहा है, तुम घुमा रही हो, मतलब तुम टॉर्क लगा रही हो कि रिस्टोरिंग टॉर्क, ये बताओ। टॉर्क, तो टॉर्क से तुम इसको घुमाई तो घुमाने से सुई ऊपर गया, तो सुई जितना जब वापस आएगा तो उतना ही ये भी वापस आएगा। समझ आया? तो वही हम कह रहे हैं कि सुई ऊपर गया वो कैसे पता चलता है, एंगल से, अल्फा से, क्योंकि अल्फा अल्फा एंगल बनाते हैं ना ऐसे करके। देखो ये सिलेंडर, इससे ऐसे करके क्या बनाते हैं एंगल, अल्फा। तो जितना एंगल ऊपर जाएगा सुई, फिर अगर वापस जब सुई आएगा तो इस सिलेंडर भी वापस घूमेगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ गई होगी मतलब, है ना? ठीक कि नहीं? हाँ, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो सी। अब ये सी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखो घूमना किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे भी, वायर का औकात कितना है घूमने का। अगर टुटपुंजिया वायर तुरंत टूट जाएगा, इसलिए हम लोग टुटपुंजिया नहीं फॉस्फर ब्रॉन्ज ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा घूम सकता है। समझ आया या सी का मतलब क्या है? अच्छा तुम अगर सी को बढ़ाओगे तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ जाएगा।
सी को बढ़ाओगी तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अच्छा सी को बढ़ाने का मतलब बढ़िया मटेरियल ले ली, तो और ज़्यादा घुमा सकती हो सिलेंडर को, ठीक है। तो ये सी का मतलब तो लिखवा चुके हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, है ना, क्योंकि वन तो हम लोग मान चुके हैं एक इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन वन क्या था मेरा, इक्वेशन वन था कौन कांस्टेंट का, हाँ हाँ इसका वैल्यू होता है, लेकिन तुमको वैल्यू जानने से कोई मतलब नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट थोड़ी है यार, यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए वैल्यू नहीं याद रखना उसका, ठीक है। मटेरियल वायर का मटेरियल बताता है, अलग अलग वायर के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा। तो ये टाओ बराबर निब्बा साइन थीटा, ये इक्वेशन कौन सा था, वन प्रीवियसली, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये एन का मतलब लिख लेना क्या चाहिए, नंबर ऑफ लूप, ले भाई साहब नंबर ऑफ लूप, सही है कि नहीं बताओ, कितना बार वायर लपेटी हो वो एन हुआ। ए का मतलब एरिया वेक्टर, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करंट, ये सारा लिखना है एग्जाम में, ये सारा लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगी कि जो टॉर्क मान लो कि ये रिस्टोरिंग है, ये कौन सा टॉर्क है और ये कौन सा टॉर्क है जो तुम लगा रही हो, तो तुम्हारा जो लगाया हुआ टॉर्क है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है दोनों आपस में क्या होगा, मान लो इसको टाउ डैश लिख लिया, तो तुम जितना टॉर्क लगाए उतना ही वापस भी घूमेगा ना यार, कितना बार बताएं की बात। तो ये टाउ डैश कितना होगा, सी अल्फा, और ये टाउ कितना है, ये तुम तो दे रही हो निब्बा साइन थीटा, निब्बा यार साइन थीटा कहाँ, तो बेचारा गया, डेथ हो गया उसका। तो यहाँ से आई निकालोगी तो क्या आ जाएगा, बोलो, सी अल्फा बाई नैब, सी अल्फा बाई नैब होगा, सी अल्फा बाई नैब। अब तुम देखो यहाँ पर, अब तुम देखना यहाँ पर, ये सी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, कि सी चेंज हो जाएगा, वायर का मटेरियल अपने आप बदल जाएगा, नया वायर अपने से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर खरीद के लाए, वायर अपने से चेंज कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पर और तुम लूप बनाओगी नया नया, नहीं उसको इसको खींच के चौड़ा कर दोगी, ये वाला को एरिया का बढ़ाने का मतलब इसको चौड़ा कर दे रही हो, नहीं करना वैसा भी। और मैग्नेटिक फील्ड तुम दूसरा नया मैग्नेट लगाओगी वहाँ पर, तो सारा कांस्टेंट हुआ ये सब, ऐसे समझो यार इसको, ठीक है। तो अल्फा लेकिन वेरिएबल है ना, अल्फा डिपेंड कर रहा है तुम कितना करंट दे रही हो उस पर, तुम जितना करंट दोगी उतना सुई उठेगा ना, कि सुई का भी कांस्टेंट होगा। अल्फा कांस्टेंट बोल रही है मतलब तुम पगला गई हो, तुम ये कह रही हो कि सुई हमेशा चाहे उसको 100 एम्पीयर भी दे दे तब भी सुई इतना ही ऊपर जाएगा, समझ में आया मेरी बात क्या कह रहे हैं। तो अल्फा कांस्टेंट नहीं है यार, तो ये सारे कांस्टेंट को रिप्लेस करके हम एक नया कांस्टेंट लेके आएंगे, सी बाय नैब को रिप्लेस करके एक नया कांस्टेंट लेके आएंगे, जिसको बोलेंगे कैपिटल जी, और इस कैपिटल जी को बोलेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का मटेरियल कैसा है उस पर ये डिपेंड कर रहा है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्या है कि तुम करंट कितना दे रही हो, बाकी ये सारा गैल्वेनोमीटर के अंदर है, तो ये गैल्वेनोमीटर के अंदर वाला सामान है, समझ आए। तो ये इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है दिल मेरा। तो यहां से देखो आई बराबर क्या आ गया, जी अल्फा, आई बराबर जी अल्फा, ठीक है, आई बराबर जी अल्फा जी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, हो गया ये, चलो मिटा रहे हैं अब हम इसको। ये फॉर्मूला हुआ गैल्वेनोमीटर का, आई बराबर जी अल्फा। अरे यार हम वो ऑन करके क्यों मतलब मिटा रहे हैं, मतलब क्या दिखाना, गरीबी दिखाना चाहते हैं, ऑन कर दिए उसको हम, पता नहीं क्या सोच के। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब, मतलब इसके बारे क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर ना बहुत सेंसिटिव होता है, पता है सेंसिटिविटी होने का मतलब, देखो जैसे दो टाइप का लोग होता है ठीक है। ये मान लो बाबू इसका नाम है, मान लो इसका नाम है अंजलि, इसका नाम है प्रिया, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ठीक मज़ा नहीं आया, इसका नाम है एंजल और इसका नाम है प्रिया, दोनों को मिलाओगी तो बनेगा एंजल प्रिया, तो इसका नाम है एंजल, इसका नाम है प्रिया, ठीक है। अब ये जो एंजल है ये बहुत मेकअप करती है, सॉरी ये इसका बाल नहीं, ये एंजल बहुत मेकअप करती है बाबू, इसका ये हेयर स्टाइल है, बहुत मेकअप करती है, ठीक है, ढेर सारा मेकअप है ना, ये वाला क्लिनिक प्लस वाला एड नहीं आता है वही वाला बाल है, और इसका भाई साहब ये खतरनाक बाल एकदम है ना, ठीक है। अब ये बहुत मतलब ये अपसेट रहती है बहुत सारा मेकअप करने के बाद भी, लेकिन ये बिना मेकअप का भाई साहब बहुत खुश रहती है, ठीक है। इसको अगर हम बोल दिए कि भिखारी जैसा दिखती है तुम, किसको, नहीं इसको बोल दिए प्रिया को, हम भिखारी टाइप का दिखती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको हंसते हुए चल दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम बोले तुम्हारा तो धरती पर काम ही नहीं है, तुमको तो सुसाइड कर लेना चाहिए, तो भी हंसते हुए चल दी, कोई फ़र्क नहीं पड़े, ठीक है। हम बोले तुम भिखारी जैसा दिखती है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़े, इसको बस एक बार बोल दिए कि तुम आज बहुत ज़बरदस्त दिख रही हो, भाई साहब दिन रात सोचने लगी कि हम मतलब अच्छा दिख रहे थे कि खराब दिख रहे थे, लेकिन हम इसको खराब बोले अच्छा बोले कुछ नहीं बोले, हम बोले तुम बहुत ज़बरदस्त दिख रही हो,
बस इतना हम बोले थे, जबरदस्त का मतलब कि अच्छा भी हो सकता है और खराब भी। वही सोच में वो 2 दिन तक सोचते रही, ठीक है। तीसरा दिन फिर आके पूछी मेरे से कि हम मतलब अच्छा कहना चाह रहे थे या खराब कहना चाह रहे थे, तो हम बोले कि अभी हम बिज़ी हैं, अभी हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो तब तो और परेशान, तब तो फिर भाई साहब 1 महीना का फिर ये ब्रेक ली, कौन एंजल, 1 महीना का ब्रेक ली और अपना चेहरा का स्पेशल ट्रीटमेंट करवाई। भले ही दिखने में बहुत बढ़िया थी लेकिन फिर भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट करवाई क्योंकि ये सेंसिटिव है, अपना खूबसूरती लेकर बहुत क्या है सेंसिटिव, लेकिन ये इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ये मेकअप और खूबसूरती को लेकर कोई इसको फर्क नहीं है, तो एकदम लीस्ट सेंसिटिव है और ये क्या है हाईली सेंसिटिव, समझ आया। तो वैसे ही मूविंग कॉयल गैल्व, ये कौन है, ये है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर और ये कौन है, ये एमीटर, ठीक है। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को तुम हाईली सेंसिटिव करोगे या बाहियात कर दोगी, हाईली सेंसिटिव करोगी उसको, क्योंकि हाईली सेंसिटिव करोगे तो छोटा सा करंट को भी तुरंत डिटेक्ट करेगा, मतलब तुम छोटा करंट का भी बड़ा डिटेक्शन, वही काम ये कर रही है ना एंजल। हम इसको बोले कि तुम जबरदस्त दिख रही हो, उसको बकलोल तो नहीं दिख बोले इसको, फिर भी छोटा सा बात को इतना बड़ा ही सोच ली कि एकदम चाके एकदम फेस का एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट, क्या बोलते हैं उसको फेस का यार, सर्जरी करवाने लगी फेस का, समझ आया। इतना सेंसिटिव है ये मेकअप को लेके, अब भले बोल दो कि पढ़ाई में बकलोल है तो कोई फर्क नहीं पड़े इसको, तो अलग अलग आदमी अलग अलग चीज़ को लेकर सेंसिटिव होता है, ठीक है। वैसे ही ये मेकअप को लेकर सेंसिटिव है, तो छोटा सा बात था, हम क्या बोले उसको बस वही हम बोले, नॉर्मल सा बात बोले हम, जबरदस्त दिख रही हो तो मतलब ठीक ठाक दिख रहे थे तो हम बोल दिए जबरदस्त दिख रही हो, तो उसको सोच ली कि भाई साहब कहीं ख़राब तो नहीं दिख रहे थे हम, कि कहीं मतलब कैसा खराब ही सोच रही है बार बार, क्योंकि मेकअप को लेकर बहुत सेंसिटिव है ये। तो वही हम कहना चाहते हैं कि छोटा सा बात को इतना बड़ा ये कर दी, अब इसको आके सोचो कोई बोल देता तुम बकलोल जैसा दिखती हो तब क्या होता यार, तब तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, तब तो सुसाइड उसाइड कर लेती भाई साहब कि क्या होगा मेरा जीवन का, समझ आ रहा है मेरी बात हम क्या बोल रहे हैं। तो ये मेकअप को लेके बहुत सेंसिटिव है, तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट को लेके बहुत और वोल्टेज को लेके भी, अरे क्योंकि करंट को, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वोल्टेज भी इंपॉर्टेंट है ना, कि वोल्टेज कितना है वहाँ पर बैटरी में, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट दोनों, क्योंकि देखो यार करंट को डिटेक्ट कर रहा है तो वोल्टेज भी डिटेक्ट हो ही रहा है। अच्छा एक चीज़ और समझो यार, कि हम लोग जो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, पढ़ना है वो चीज़ टॉपिक है ना, तो यहाँ पर अभी हेडिंग लिखो, कर सकते हैं वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, पढ़ना हाँ वोल्टेज भी मेजर कर सकता है लेकिन कन्वर्जन के बाद, अभी वो सब छोड़ो, जल्दी से लिखना हेडिंग करंट सेंसिटिव, पहले क्या डालना है हेडिंग करंट सेंसिटिव, क्या गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होता है, हाँ हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। और तुम अगर उस सेंसिटिविटी को और बढ़ाना चाहती हो तो उसके लिए और कुछ कुछ करना पड़ेगा, वही बता रहे हैं। तो ये एग्जाम में पूछता है करंट सेंसिटिविटी, पहले दो टाइप का सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी और दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी, दोनों में कुछ अंतर भी है और इस तरफ हम लोग ले रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी को हम लोग आईएस से डिनोट करते हैं, आईएस आईएस ऑफिसर, और इसको किससे डिनोट करते हैं वीएस से, वोल्टेज ऑफ सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी, ठीक है। तो बहुत थकावट लग रहा है यार आज, तो यहाँ पर देखो, यहाँ जब तुम आईएस निकालोगे तो उसको लिखोगी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट 5/I। अब ये रटा हुआ नहीं है मेरा, एक बार पता है एक बार कोचिंग में हम लिखवा दिए थे उसको उल्टा I/5, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पकड़ना इंपॉर्टेंट है, तुरंत उन लोगों को फिर हम सही करवाएं, मतलब उसे अगले दिन उसको आइडेंटिफाई करके। तो कॉन्सेप्ट क्या पकड़ा हुआ है इसमें, कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन सर, आई समझ रही हो कौन सा करंट है जो तुम दे रही हो, ठीक है, जो करंट तुम दे रही हो उसको, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर, अच्छा फाई क्यों लिख रहे हैं हम, सॉरी अल्फ़ा ना होगा, ये आई बाई अल्फ़ा होगा या फिर ये अल्फ़ा बाई आई होगा, कितना डिफ्लेक्शन है उसके हिसाब से इसका सेंसिटिविटी डिसाइड होगा, समझना, अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। हम ये बोल रहे हैं ना कि ये अल्फ़ा का मतलब है कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, मतलब कितना करंट देने से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी को बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। अगर कम करंट देने से कम डिफ्लेक्शन हो रहा है तो लीस्ट सेंसिटिव, अगर कम करंट देने से ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ज़्यादा सेंसिटिव। तो वो कैसे मालूम चलेगा कि गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है, अल्फा और आई दोनों के हेल्प से ना, क्योंकि तुम आई भेज रही हो तब ना अल्फा मिल रहा है, समझ आया कि नहीं है। तो ये अल्फा बाई आई लिखेंगे आई बाई अल्फा, बहुत आसान है। देखो पहले एक काम करो, थोड़ा हम लोग गलत इसको करके देखते हैं, चलो गलत करते हैं इसको, पहले हम लोग अल्फा बाई आई करते हैं, गलत करके देखते हो। अल्फा तुमको अल्फा पता है, अल्फा अल्फा होता है, आई का फॉर्मूला लिखवाया गया था, अभी क्या लिखवाया गया था बोलो, इसको लिखवाया गया था अल्फा और अल्फा जी ऐसे लिखवाया गया था, लेकिन पूरा फॉर्मूला बोलो, आई का फॉर्मूला ये लिखवाया था तुम लोगों को, सी अल्फा बाई नैब लिखवाया था ना, सी अल्फा बाई नैब। तो अगर आई लिखोगी तो सी अल्फा बाई नैब लिखोगी, अब यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई एस बराबर नैब बाई सी, ठीक है, नैब बाई सी। अब तुम देखना, अगर तुम नंबर, पहले ये हम ना ये सही कर दिए, अभी तो हम गलत करना है इसको, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगी तो करंट बढ़ेगा ना,
नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करोगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करोगे तो भी ज्यादा सेंसिटिव होगा। अच्छा क्यों ये नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से ज्यादा क्यों डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो? देख भाई नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से टॉर्क ज्यादा, और टॉर्क ज्यादा तो सेंसिटिविटी ज्यादा, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा। अरे भाई टॉर्क क्योंकि किसके प्रोपोर्शनल है? टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है? डिफ्लेक्शन के। जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और टॉर्क ज्यादा कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो तुम मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा रखना पसंद करोगी कम रखना पसंद करोगी? ज्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा, तो ये सेंसिटिविटी ज्यादा करंट का। एरिया एरिया को तुम लूप का बड़ा रखोगी या छोटा रखोगी? देखो तुम याद करो जब डायग्राम स्टार्टिंग में बना रहे थे, जब हम छोटा लूप बना रहे थे तो ये छोटा लूप बना रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल जाएगा उससे, लेकिन अगर बड़ा लूप बनाएंगे तो सारा मैग्नेटिक फील्ड को वो कवर कर लेगा। तो लूप का एरिया तुम क्या रखना पसंद करोगी? ज्यादा। और ये सी को क्या रखोगी? कम। मतलब तुम वायर, ऐसा सी हम ज्यादा बोल दिए थे ना उस वक्त, ज्यादा नहीं होगा कम होगा। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो सी को कम रखना पड़ेगा, समझ आया? मतलब ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसका सी का वैल्यू कम रहे, समझ आया? तो यानी कि ये सब सारा बात सेटिस्फाई हो रहा है जी? तो तुम लोग को ये इस सी को छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, सी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सी भी मटेरियल चूज करना है। फॉस्फर ब्रॉन्ज इसलिए ले रहे हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज सी, उसका सी का वैल्यू ठीक ठाक रहता है। अच्छा सुनो एक जरूरी बात, एन ए और बी, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। क्या? नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। इसको ज्यादा रखना हम चाहते थे स्टार्टिंग से कि अभी कुछ और बोल रहे हैं? इसको स्टार्टिंग से ज्यादा रखने का बात करें, रेडियल फील्ड बना रहे हैं और जो डायग्राम गलत बना था उसको सही किए हैं, लूप को बढ़िया से सेट किए हैं। नंबर ऑफ टर्न्स देखिए कितना सारा दिखा रहे थे। और अरे तुम एक चीज सोचो ना, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करोगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वायर पे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वायर पे लगता है। वायर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, टॉर्क ज्यादा लगेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा रिडक्ट होगा, समझ आया? तो यानी कि तुम ये सबको ज्यादा रखना पसंद करोगी। तो मतलब ये तुम जो अल्फा बाई आई लिखी हो सही लिखी हो, अगर तुम इसका उल्टा लिख देती, तुम बकलोर रहती मेरे जैसे, जैसे हम किए थे गलती, अगर तुम आई बाई अल्फा लिख देती तब क्या होता? तब उल्टा आ जाता फॉर्मूला, तब क्या आता फॉर्मूला? सी बाई नैब, सी बाई नैब आता ना, जो कि गलत हो जाता। तो उस लॉजिक से तो तुमको एन को कम रखना पड़ेगा, ए को कम, तो कम करोगी तब ये ज्यादा होगा। तो ये फॉर्मूला गलत हुआ कि नहीं बताओ? तुमको समझ में आया अल्फा बाई आई क्यों लिखा रहता है किताब में, आई बाई अल्फा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अगर आई बाई अल्फा कर दिए तब ये सब जब पुट करेंगे तो फॉर्मूला ये आएगा, और फिर इसके हिसाब से हमको ये बताओ आई एस को हम बढ़ाएंगे कि घटाना चाहते हैं? बताओ आई एस को बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना? बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर बढ़िया से बढ़िया करंट को डिटेक्ट करे, करंट बढ़िया से बढ़िया मतलब छोटा भी करंट हो तो तुरंत डिफ्लेक्शन दिखाए, हम ये चाहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यानी कि ये ऐसे नहीं होगा, समझ आया क्यों ऐसा होता? बहुत लोग पूछते हैं सर ऐसा क्यों नहीं होता है, तो कारण बता दिए भाई साहब एकदम डिटेल में। चल ठीक, तो ये सब हम मिटा दे रहे हैं। मेन मुद्दा कौन सा है? मेन मुद्दा ये तो लिखा है यहाँ पर साफ साफ, ये तो ये रहा फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है तुम्हारा नैब बाई सी, कैसे हुआ डेरिवेशन फॉर्मूला का, ये रहा। और तुम एन को क्या रखोगी? ज़्यादा, पहला पॉइंट ये हुआ। और दूसरा बी को क्या रखोगी? ज़्यादा। तीसरा ए को क्या रखोगी? ज़्यादा। और सी को क्या रखोगी? कम। यहां पर आओ, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने के लिए तुमको करना पड़ेगा वी बाई फाई, सॉरी अल्फा बाई वी। और वोल्टेज निकालने का तरीका क्या है? वोल्टेज निकालने का तरीका करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट पता है कौन सा वाला लेना है? देखो ये वाला जो निकाली हो डेरिवेशन से, सी अल्फा बाई नैब अपॉन यहां पर क्या आर, अल्फा अल्फा कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो V सेंसिटिविटी कितना आएगा? नैब बाई सी आर। अब देख यहां पर एक और चीज, यहां पर जो यहां नहीं है, यहां रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो अगर वोल्टेज को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को क्या रखना पड़ेगा? वोल्टेज ज्यादा रखोगी ना, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, समझ आया? तो इसमें भी वही सेम चीज, देखो इसमें भी सेम चीज फॉलो हो रहा है। एन को ज्यादा रखना है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ए को भी ज्यादा रखना है, तीसरा पॉइंट बी को भी ज्यादा रखना है, चौथा पॉइंट सी को कम रखना है, और आखिरी पॉइंट आर को भी कम रखना है। अब इसके ऊपर एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, वो अभी हम नहीं करवाएंगे, टाइम ही नहीं है अब, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास करते हैं। थैंक यू बाय। हाँ खत्म, ठीक है। एक एनसीईआरटी में कॉन्सेप्चुअल सवाल था कि देखो यहाँ पर हम पूछ ही देते हैं उसको, चलो इसका आंसर देना जाके, नहीं मिटा नहीं रहे, यहाँ पर छोटा सा सवाल बना रहे हैं। देखो यहाँ पर सवाल एनसीईआरटी का, देखो अगर तुम ये बताओ कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न को एन से टू एन कर देते हैं, तो करंट सेंसिटिविटी कितना होगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना होगा, मतलब कौन बढ़ेगा कौन घटेगा या फिर दोनों बढ़ जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया? नंबर ऑफ टर्न्स को एन से कितना कर दिए, डबल कर दिए, तो उससे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों में क्या असर पड़ेगा? साफ साफ दिख रहा है नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाता है।
और यहाँ भी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी तो दोनों बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा। अब पता करके आओ क्यों नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से ये बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ेगा, क्यों? हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। देखो नंबर ऑफ टर्न्स को दोगुना की तो वायर का लेंथ दोगुना, वायर का लेंथ दोगुना तो रेजिस्टेंस भी दोगुना, तो टू टू कट जाएगा ना, तो वही वापस घूम के आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ रेजिस्टेंस है कहीं पर, तो टू काटने के लिए मौजूद नहीं होगा, तो ये डबल हो जाएगा। लेकिन क्या ये डबल होगा? ये जैसा है वैसा ही रख जाएगा। तो वी एस में क्या होगा? नो चेंज। और ये भाई साहब क्या हो जाएगा? डबल। चलो ठीक, ये तो गंदगी हो गया फिर। हाँ, तो ये फॉर्मूलाज हुआ, कंडीशन हुआ, ठीक है। एक छोटा सा बात था ये बता दी, इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में डिस्कस किया इसको। चलो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।